हाय वेलकम कोड फ्रेंड, वेलकम नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन द मनस्टेक प्रोजेक्ट सीरीज। और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं टू डू लिस्ट, एक बहुत बेसिक बिगनर फ्रेंडली मनस्टेक प्रोजेक्ट है जिसको हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड मोंगोडीबी। फ्रंट एंड में यहाँ पे होगा रिएक्ट जेएस, बैक एंड में यहाँ पे होगा नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस, और डेटाबेस यहाँ पे हम यूज करेंगे मोंगोडीबी। एक बहुत बेसिक मनस्टेक प्रोजेक्ट होगा। टू डू लिस्ट है बेसिकली, यहाँ पे अगर आपके पास कोई टू डूज हैं तो यहाँ पे आप उनको ऐड कर सकते हो, उनको डन मार्क कर सकते हो, और जो एक्टिव टू डूज हैं, जितने पेंडिंग है, आप यहाँ पे वो चेक कर सकते हो। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे एक नया टास्क है, ठीक है, ऑल टू डूज में, जो कि यहाँ पे एक्टिव टू डूज है, वन पेंडिंग टू डू आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आओगे एक्टिव टू डूज, तो ये आपके सारे यहाँ पे एक्टिव टू डूज आएंगे। डन टू डूज अभी यहाँ पे मेरे पास कोई भी नहीं है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे एक नया टू डू ऐड करता हूँ, सपोज रीड बुक, कि आपको एक बुक को रीड करना है, मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया, तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। एक्टिव टू डूज में आपके पास यहाँ पे दो आ जाएंगे, बट सपोज आपका ये वाला टास्क आप यहाँ पे पूरा कर चुके हो, रीड टू डू वाला, तो इस पे सपोज जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, तो ये वाला डन मार्क हो जाएगा। एक्टिव टू डूज में आप सिर्फ एक टू डू है, यहाँ पे वन पेंडिंग टू डू, डन में आपके पास यहाँ पे जो रीड बुक है वो आपके यहाँ पे डन टू डू हो चुका है, ठीक है। और सपोज आप इसको एडिट भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सपोज इस पे क्लिक किया, दिस इज अ न्यू टास्क, दिस इज अ न्यू एडिट टास्क, ठीक है। मैं सपोज यहाँ पे इस पे एंटर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और ये आपका यहाँ पे जो आप यहाँ पे देखो एडिट टास्क आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो ऐसे आप यहाँ पे अपने टू डूज को मार्क कर सकते हो, इनको आप डिलीट भी कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मेरे को इस वाले को डिलीट करना है, मैंने यहाँ पे इसको डिलीट किया, डिलीट हो चुका है। अगर आपके पास यहाँ पे एक और टू डू, सपोज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, सपोज वॉच नेटफ्लिक्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया, या फिर वॉच इंडिया वर्सेस पाक क्रिकेट मैच, ठीक है, ऑन हॉटस्टार, मैंने सपोज यहाँ पे इसको ऐड किया, और यहाँ पे मेरे पास ये तीन टू डूज हैं, ठीक है, लेकिन एक टू डू यहाँ पे डन मार्क है, दो टू डूज यहाँ पे पेंडिंग है, ये आपके सभी यहाँ पे पेंडिंग टू डूज हैं, और फिर यहाँ पे डन टू डूज में यहाँ पे ये आएगा। तो अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे रिमूव डन टू डू पे, तो जो आपके डन टू डूज हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला आपका टू डू डन हो चुका है, तो आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो इसको रिमूव कर देगा, मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, उसने उसको रिमूव कर दिया। तो ऐसे करके ये एक बहुत बिगनर फ्रेंडली टू डू लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो डेटाबेस में यूज कर रहा हूँ वो MongoDB है, MongoDB का सर्वर मेरा यहाँ पे चल रहा है, cloud.mongodb पे। और जो मेरा यहाँ पे दो फोल्डर्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए, एक मेरा यहाँ पे क्लाइंट है, दूसरा मेरा यहाँ पे सर्वर है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे क्लाइंट है, दूसरा मेरे पास यहाँ पे सर्वर है, और मेरे पास ये यहाँ पे बैकएंड है। फ्रंट एंड में मेरे पास यहाँ पे पूरा रिएक्ट जेएस की हेल्प से, ये मेरा यहाँ पे पूरा बैकएंड है, ठीक है, पूरा एमवीसी स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हुआ हुआ है, और ये हम बनाएंगे इस प्रोजेक्ट सीरीज में, ठीक है। बहुत बेसिक है, बहुत बिगनर फ्रेंडली है। तो अगर आप मनस्टेक प्रोजेक्ट्स में नए हो बिल्कुल, तो आप इस प्रोजेक्ट के साथ आगे अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आप चैनल पर अगर आप नए हो, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आए तो, ठीक है। एंड आप बाकी मनस्टेक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, अगर ये आपके लिए बहुत बेसिक है, क्योंकि ये बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है। बट आप बिगनर नहीं हो, ठीक है, आप एक इंटरमीडिएट लेवल तक आ चुके हो, तो आप यहाँ पे जो बाकी मनस्टेक प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप क्लोन है, व्हाट्सएप क्लोन आप बना सकते हो। अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो लीड कोड क्वेश्चन सीरीज है यहाँ पे पूरी, आप ये वीडियो देख सकते हो। आप अगर जावा में प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ स्विंग, तो आप ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सब चेकआउट कर सकते हो। बाकी मनस्टेक प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे इंश्योर्स क्लोन है, ठीक है, ब्लॉग एप्लीकेशन है, ठीक है, आप ये चेकआउट कर सकते हो। फ्लिपकार्ट क्लोन है, आप ये चेकआउट कर सकते हो। अगर आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो विद हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट एंड MySQL, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ बाकी कुछ जावा प्रोजेक्ट्स हैं, फिर कुछ रिएक्ट प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे जैसे पोस्टमैन क्लोन है, गूगल कीप क्लोन है, गूगल डॉक्स क्लोन है, नेक्स्ट जेएस, अगर आप बिल्कुल नेक्स्ट जेएस में बिगनर हो, तो आप ये वाली वीडियो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे कुछ और रिएक्ट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। गूगल डॉक्स आप बना सकते हो, इंश्योर्स आप बना सकते हो। एक बेसिक क्रड एप्लीकेशन अगर आपको बनानी है, जहां पर आप यूजर्स को डिस्प्ले करवा सकते हो, तो आप यहाँ पे ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ मनस्टेक। और फिर बाकी यहाँ पे कुछ जावा प्रोजेक्ट्स हैं, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको जावा में इंटरेस्ट है प्रोजेक्ट बनाने का। तो लेकिन इससे पहले इस वाले प्रोजेक्ट पर आते हैं जो हमें यहाँ पर इस वीडियो सीरीज में बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो किसी भी अपने एक फेवरेट फोल्डर में आना है। मैं यहाँ पर आया हूँ लोकल डिस्की में, यूट्यूब में, मनस्टैक के अंदर, और यहाँ पर आपको ऊपर CMD टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं CMD मैंने टाइप किया, और ये आपका CMD खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो कोड का, ठीक है। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लेना है, एंड यहाँ पे आपके पास नोड जेएस भी डाउनलोडेड होने चाहिए, ठीक है। नोड जेएस के साथ हमें यहाँ पे NPM का एक्सेस मिलता है, NPM और NPX का। तो आपके पास यहाँ पे नोड जेएस और विजुअल स्टूडियो कोड दोनों होने चाहिए, ठीक है। आप एक वीडियो देख सकते हो,
अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है, इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाला मनस्टेक एनवायरनमेंट सेटअप, आपको यहाँ पे ये वाली वीडियो देखनी है। बट अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड एंड नोड जेएस ऑलरेडी है तो इस वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने बेसिकली यहाँ पे ये बताया हुआ है कि आप नोड जेएस और विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे उनके पाथ को आप सेटअप कर सकते हो, और वो सब मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पे आप सीएमडी टाइप करोगे तो ये आपका इसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे सीएमडी खोल देगा। यहाँ पर आपको लिखना है कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट क्या करेगा, ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। आप यहाँ पे देखो, इससे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया इसी फोल्डर के अंदर। खुलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, आपको यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर लेना है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपको अपना टर्मिनल खोलना है, टर्मिनल यहाँ पर आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड का टर्मिनल है आपको यहाँ पे वो खोलना है। टर्मिनल आप यहाँ से भी खोल सकते हो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू टर्मिनल, और ये इसकी यहाँ पे शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए सपोज आपको यहाँ पे लिखना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप यहाँ पे फेसबुक का एक टूल है जिसकी हेल्प से आप बहुत क्विकली एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना सकते हो। npm का एक्सेस आपको मिलता है npx के साथ, npx का मैंने उल्टा बोल दिया, npx का एक्सेस आपको मिलता है npm के साथ। अगर आपके npm का वर्जन 5.2.0 से ग्रेटर है तो आपके पास npx का एक्सेस होता है। तो अगर आपका नोड जेएस का वर्जन बहुत लेटेस्ट है, मतलब 14, 15, 16 जो भी आप चल रहे हैं, अगर वो है तो आपके पास ऑलरेडी npx का एक्सेस होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है, जो मैं सपोज यहाँ पे दे रहा हूँ क्लाइंट। ये क्या करेगा, ये आपका जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो बनाना बिल्कुल स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो क्लाइंट के नाम से फोल्डर बनाएगा, जैसे किसने यहाँ पे बनाया भी, अभी यहाँ पे सभी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा, तो इसमें लगेंगे 3 से 4 मिनट, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा। बढ़िया, तो प्रोजेक्ट आपका बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना भूल गया कि हम यहाँ पे रिडक्स का भी यूज करेंगे। मैंने आपको सब तो बता दिया कि हम रिएक्ट यूज करेंगे, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मंगोडीबी, बट यहाँ पे रिडक्स का भी यूज होगा, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लाइंट के अंदर जाना है। आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे रिएक्ट का एक बहुत एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आया है जो हमें क्रिएट रिएक्ट ऐप बना के देता है। यहाँ पर किसी भी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन में जो मेन फाइल होती है वो पैकेट और जेसन होती है। तो अगर आप यहाँ पे इस फाइल को खोल के देखोगे तो ये आपके यहाँ पे सबसे मेन फाइल है। यहाँ पर आपके पास जो दो सबसे इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं वो होता है एक डिपेंडेंसीज, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है वो होता है आपके पास यहाँ पे स्क्रिप्ट। डिपेंडेंसीज में आपके पास यहाँ पे सभी डिपेंडेंसीज आती हैं जो जरूरी है आपके प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। तो यहाँ पे जो रिएक्ट का वर्जन आया है वो है 18.2, रिएक्ट डॉम भी यहाँ पे 18.2 है, और यहाँ पे फिर बाकी कुछ टेस्टिंग लाइब्रेरीज हैं, और यहाँ पे बाकी सब कुछ है। स्क्रिप्ट अगर आप देखो तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट हैं जिनकी हेल्प से आप अपने प्रोजेक्ट के साथ डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हो। जैसे स्टार्ट स्क्रिप्ट का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अपने जो प्रोजेक्ट है उसको लोकल में चलाने के लिए। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को रन करना है एक लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में तो आप यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हो, जो चलाता है रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को। रिएक्ट स्क्रिप्ट यहाँ पे आपका एक पैकेज है और इसके अंदर यहाँ पे आपकी एक स्टार्ट एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसको चलाता है। तो इसको चलाने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपका क्लाइंट फोल्डर है उसके अंदर जाना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक्सेस चाहिए पैकेट और जेसन का। पैकेट और जेसन आपके यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर है, तो आपको यहाँ पे सीडी क्लाइंट करके इसके अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद इस स्टार्ट स्क्रिप्ट को चलाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है npm स्टार्ट। npm स्टार्ट जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे ये आपका यहाँ पे सबसे पहले चेक करेगा पैकेट और जेसन के अंदर क्या स्टार्ट के नाम से कोई स्क्रिप्ट है। अगर इसको मिलेगी तो ये चलाएगा रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को, जैसे कि यहाँ पे इसने चलाया भी है रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को, तो ये इसको चलाएगा। और फिर यहाँ पर आपका एक डेवलपमेंट सर्वर चलाएगा जो कि आपका लोकल डेवलपमेंट सर्वर है, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को एक लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रन कर सको। जैसे कि यहाँ पे इसने चलाया भी है स्टार्टिंग द लोकल डेवलपमेंट सर्वर, और फिर यहाँ पे आप देखो तो ब्राउजर में ये आपकी एप्लीकेशन को रन करेगा लोकल होस्ट 3000 पे। आपके जो रिएक्ट की जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपके रन होती है पोर्ट 3000 पे, ये आपके रिएक्ट का डिफॉल्ट पोर्ट है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन चलने के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ पहले पहले से लिखा हुआ एक कोड है वो यहाँ पे रन हुआ है, जिसमें मेरे पास यहाँ पे रिएक्ट का एक लोगो आया है, फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे मेरे पास एक नीचे एक लिंक है जिसपे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। ये कहाँ से लिखा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सोर्स के अंदर जाना है, और यहाँ पे हमारे पास ये फाइल है app.js के नाम से। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरे पास यहाँ पे एक लोगो है जो कि svg लोगो है, ये रिएक्ट का यहाँ पे लोगो है जो हमने ऊपर यहाँ पे इम्पोर्ट किया हुआ है, फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर मेरे पास यहाँ पे नीचे एक लिंक है जिसपे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। तो ये सब कुछ यहाँ से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जो भी आपका कोड यहाँ पे इस ऐप फाइल के अंदर लिखा हुआ है app.js के अंदर ऐप कॉम्पोनेंट के अंदर, जो जितना भी आपका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है वो सब वहाँ पे जाके आपका डिस्प्ले हो रहा है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि app.js आपके यहाँ पे मेन फाइल है? क्या कोड ऑफ एग्जीक्यूशन आपका app.js से स्टार्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं। आपका जो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है रिएक्ट में वो स्टार्ट होता है आपका index.js से।
ये आपकी यहाँ पे मेन फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस। रिएक्ट यहाँ से आपके कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। यहाँ पर हमने जो हमारा साथ सबसे इंपॉर्टेंट पैकेज है जिसके अंदर यहाँ पे सभी फीचर्स हैं रिएक्ट, हमने यहाँ पे उसको इम्पोर्ट कराया हुआ है। रिएक्ट डॉम को हमने यहाँ पे इम्पोर्ट किया। रिएक्ट डॉम आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट को ब्राउजर में चलाने में हेल्प करता है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे ऐप कॉम्पोनेंट को इम्पोर्ट किया हुआ है। यहाँ से हमने ऐप कॉम्पोनेंट को एक्सपोर्ट किया था। आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पर हमने ऐप कॉम्पोनेंट बनाया और फिर नीचे हमने यहाँ पे ऐप कॉम्पोनेंट को एक्सपोर्ट किया और फिर हमने इंडेक्स और जेएस के अंदर इस ऐप कॉम्पोनेंट को इम्पोर्ट किया हुआ है और यहाँ पर हम इसको रेंडर करवा रहे हैं। हमने यहाँ पे एक जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से, मतलब रिएक्ट डॉम की हेल्प से, हमने यहाँ पे फिर जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट का यूज किया, गेट एलिमेंट बाई आई डी, और हमने यहाँ पे एक ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की है जिसकी आईडी यहाँ पे रूट है, और फिर उस रूट एलिमेंट पे हमने यहाँ पे रेंडर फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर हमने यहाँ पे अपने ऐप कंपोनेंट को पास किया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने अपना सारा कोड यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अंदर लिखा, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया, इसको हमने यहाँ पे इम्पोर्ट किया इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी करके अपना जो सारा ऐप कॉम्पोनेंट में हमारा जितना भी कोड लिखा हुआ है वो सब हम इसके अंदर डाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे पास फ्रंट एंड में जो मेन फाइल होती है, फ्रंट एंड में जो हमारे पास मेन फाइल होती है वो इंडेक्स डॉट जेएस नहीं होती, वो होती है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। फ्रंट एंड में ब्राउजर सिर्फ एक ही फाइल समझता है, ठीक है, वो होती है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। वो फाइल आपको मिल जाएगी यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से आपके पास यहाँ पे ये मेन फाइल है, ठीक है। इसमें हम कभी भी कुछ भी कोड डायरेक्टली नहीं लिखते। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये आपके पास यहाँ पे पूरा एक HTML का पूरा यहाँ पे डॉक टाइप है, एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको HTML का मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक टैग मिलेगा डिव के नाम से, डिव आपको यहाँ पे एक टैग मिलेगा जिसकी आईडी यहाँ पे रूट है, और हम इसी आईडी को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं इस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट की हेल्प से, और हम अपना सारा कोड इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जा रहा है इंडेक्स डॉट HTML के अंदर। तो जो भी आपने अपना सारा कोड ऐप डॉट जेएस के अंदर लिखा हुआ है वो इंडेक्स और जेएस के थ्रू आपके इंडेक्स और एचटीएमएल के अंदर यहाँ पे इस वाले टैग के अंदर जा रहा है, ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। आपको यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेते हैं, और यहाँ पे अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ ना, तो जो आपका यहाँ पे सबसे मेन फाइल है वो जो सबसे आपका सबसे यहाँ पे पेरेंट टैग है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे है। आप यहाँ पे देखो डिव आईडी इक्वल्स टू रूट, ये आपके यहाँ पे सबसे पैरेंट टैग है, और जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर डिवाइड इज इक्वल्स टू रूट, और आपका सारा कोड यहाँ पे इस डिवाइडिंग इज इक्वल्स टू रूट के अंदर आके अपेंड हुआ है। आप यहाँ पे देखो डिव क्लास इज इक्वल्स टू ऐप, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ऐप डॉट जेएस के अंदर, आप यहाँ पे देखो डिव क्लास इज इक्वल्स टू ऐप। क्लास यहाँ पे एक रिजर्व कीवर्ड होता है रिएक्ट में, इसलिए हम यहाँ पे क्लास नहीं लिखते, यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास नेम। बट अगर मैं आपको यहाँ पे इस सब को हटा के यहाँ पे सिर्फ मैं हेलो लिख के दिखाऊं और यहाँ पे मैं आपको चला के दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखो सिर्फ हेलो आएगा, और यहाँ पे डिवाइड इज इक्वल टू रूट के अंदर सिर्फ यहाँ पे हेलो है। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे काम करते हैं, सही है। तो अगर आप यहाँ पे वापस आओ तो ठीक है, तो यहाँ से इसको हटाते हैं, इसके हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लोगों की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, आप इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो कि हमारा जो यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। ये आपका यहाँ पे हेडर वाला पार्ट है, ठीक है, ये हेडर वाला पार्ट है जो ऊपर यहाँ पे टू डू लिस्ट लिखा हुआ है, ये आपका हेडर है। नीचे ये आपका सेकंड कंपोनेंट है जो आपका यहाँ पे फॉर्म टाइप है, एंटर न्यू टू डू, और फिर ये आपका यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट है जहां पर आप जो अपने टू डूज हैं उसको यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा रहे हो। तो यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पे सभी कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप अगर पूरा स्ट्रक्चर देखो तो ये मेनली तीन कॉम्पोनेंट्स में डिवाइडेड है। हेडर है ऊपर, नीचे फॉर्म है, उसके नीचे यहाँ पे लिस्ट है। तो आपको यहाँ पे यही काम करना है। मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स अपने बनाने पड़ेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे सोर्स पर राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया सपोज कॉम्पोनेंट्स के नाम से, और यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ जो कि होगी आपके यहाँ पे हेडर डॉट जेएसएक्स के नाम से, ठीक है। जेएसएक्स यहाँ पे मैं एक्सटेंशन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंडेड होता है। आप यहाँ पे जेएस भी लिख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी, आप यहाँ पे वो डाल सकते हो, दोनों सेम ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट बनाने, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फंक्शनल एरो एरो कॉम्पोनेंट, ठीक है, जहाँ से हम जेएसएक्स का यूज करके इसको यहाँ से हम रिटर्न करते हैं। तो इसको मैंने सपोज यहाँ से रिटर्न किया, ये एक हेडर है, तो मैं यहाँ पे HTML का जो हेडर टैग होता है मैंने यहाँ पे सपोज उसका यूज किया, और हेडर टैग का यूज करते हुए सपोज मैंने यहाँ पे H1 लिखा, H1 मैंने मैंने यहाँ पे लिखा टू डू लिस्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट के साथ आपको यहाँ पे इसको डिफाइन करना पड़ेगा विद कॉन्स, तो आपको यहाँ पे कॉन्स लगाना पड़ेगा, या फिर एक्सपोर्ट कॉन्स एक्सपोर्ट नहीं करते, इसको करते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड आप यहाँ पे डाल सकते हो हेडर,
सिंपल है, या आपने यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, ठीक है, या आपने यहाँ पे उस कंपोनेंट की डेफिनेशन लिखी और यहाँ पे आपने उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पे आना है एप डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे सपोज मैं एक कमेंट डाल रहा हूँ कि ब्रो ये आपके सभी कॉम्पोनेट इम्पोर्ट है, और यहाँ पे आपने जो अपना हेडर कॉम्पोनेट है उसको यहाँ पे आपने इम्पोर्ट कर लिया। अब हेडर कॉम्पोनेंट आपका कहाँ से इम्पोर्ट होगा, तो आपको यहाँ पे फॉर्म लगाना पड़ेगा। फॉर्म लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे लिखते हो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, दो दो तरीके से आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो। मतलब हम यहाँ पे नेविगेट करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे जहाँ पर मेरा हेडर फाइल है, तो दो तरीके से हम यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। पहला है आपका यहाँ पे आप लिख सकते हो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश आपको आपके फोल्डर से बाहर ले जाता है। मतलब एक फोल्डर अगर आपको ऊपर जाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। अभी अभी यहाँ पर मैं हूँ सोर्स फोल्डर के अंदर, तो जैसे ही आपने यहाँ पे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखा तो ये मेरे को सोर्स फोल्डर से बाहर ले गया। यहाँ पे मेरे पास नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक है, फिर सोर्स यहाँ पे खुद है, फिर पैकेट डॉट जेसन है, पैकेट लॉग डॉट जेसन है, गेट इग्नोर है, तो यहाँ पर इसने मेरे को वो सब दिया। बट मेरा जो यहाँ पे कॉम्पोनेंट है हेडर, ये मेरा यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स के अंदर है जो कि सोर्स फोल्डर के अंदर है, मतलब सेम फोल्डर के अंदर है। तो अगर आपको सेम फोल्डर के अंदर नेविगेट करना है उस केस में आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है डॉट फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे आपको कॉम्पोनेंट्स मिल जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे आपके पास फाइल है हेडर। एक्सटेंशन लिखना कंपलसरी नहीं है, जेएस जेएसएक्स ये लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ हेडर भी लिखोगे तो भी चलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो हेडर है उसको यहाँ पे आपको हेलो की जगह लिखना है एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है कि जो फॉरवर्ड स्लैश लगा के आप इसको क्लोज करते हो, आपको यहाँ पे इसको ऐसे क्लोज करना है। ठीक है, चला के देखते हैं तो बिल्कुल मस्त चलेगा। आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो आप यहाँ पे देखो टू डू लिस्ट यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुकी है। ठीक है, तो ये तो सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मेरे को एक काम करना है, यहाँ पर मेरे को जो सीएसएस है यहाँ पे वो हैंडल करनी है, तो सीएसएस हम हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कोई वो नहीं यूज कर रहा, मटेरियल यूआई का मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, जैसे मैं यहाँ पे बाकी प्रोजेक्ट्स में अपने यूज करता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक जो हमारा यहाँ पे एप डॉट सीएसएस है इसका मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये सारा कोड हटा देना है। आप अपने जो सारी सीएसएस है वो यहाँ पे एप डॉट सीएसएस के अंदर लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कॉम्पोनेंट वाइज सीएसएस भी लिख सकते हो। जैसे दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो यहाँ पे ये है कि अगर हेडर की सीएसएस है तो आप यहाँ पे एक फाइल बना लो हेडर डॉट सीएसएस करके, और आप अपनी सारी सीएसएस यहाँ पे कॉम्पोनेंट वाइज लिखो। या फिर आप यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हो कि अगर आपकी सीएसएस ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा सीएसएस है हजारों लाइनों में तो उसमें अच्छा यही रहता है कि आप जो सीएसएस है उसको कॉम्पोनेंट वाइज ब्रेक कर दो, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स बना लो आप सीएसएस की। बट अगर सपोज सीएसएस ज्यादा नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, आप उसको एक फाइल में भी लिख सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे सीएसएस ज्यादा नहीं है तो मैं यहाँ पे सारी सीएसएस अपनी एक एक फाइल में डाल रहा हूँ। सबसे पहले बॉडी के अंदर मेरे को यहाँ पे विथ डालनी है आपकी 50%। ठीक है, अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे ये पूरी स्क्रीन तक जाएगा, बट मेरे को इसको 50% रखना है, और मेरे को यहाँ पे मार्जिन 0 ऑटो करना है क्योंकि मेरे को इसको सेंटर अलाइन करना है। तो टॉप और बॉटम से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0, लेफ्ट और राइट से मैंने यहाँ पे ऑटो कर दिया। लेफ्ट और राइट से जैसे आप यहाँ पे ऑटो करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे सेंटर अलाइन हो चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50% है, तो ठीक है, इस वजह से ये यहाँ से आया है। अगर मैं इसको भी सेंटर अलाइन कर दूंगा, मतलब जो ये आपका यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट है इसको मेरे को सेंटर अलाइन करना पड़ेगा, तो इसकी मेरे को यहाँ पे सीएसएस हैंडल करनी है। हेडर के नाम से हमने वहाँ पे वो वाली सीएसएस ली थी, हमने यहाँ पे टैग लिया था, आपने अगर देखो HTML टैग था मेरे पास यहाँ पे हेडर के नाम से। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल हेडर के अंदर अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ टेक्स्ट लाइन और यहाँ पे मैं डालता हूँ सेंटर, तो आप यहाँ पे देखोगे इस टाइम पे सेंटर लाइन हो जाएगा कुछ इस तरह। अब मेरे को यहाँ पे जो इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फैमिली है, वो सब मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो वो सब हम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्टली हेडर के अंदर आप यहाँ पे देखो तो H1 है, तो हेडर के अंदर जो H1 है आप डायरेक्टली यहाँ पे उसको उससे एक्सेस कर सकते हो। HTML टैग है तो आपको यहाँ पे कोई हैश या फिर कोई डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपल डाल सकते हो फॉन्ट साइज। ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसके फॉन्ट साइज को चेंज करना है, तो फॉन्ट साइज सपोज मैंने यहाँ पे डाला 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज डाला। आप यहाँ पे देखो ये बड़ा हो चुका है। इसके कलर को भी चेंज कर देते हैं, कलर आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो, कलर में सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ मेरे को यहाँ पे जो ब्लू टाइप कलर है यहाँ पे मेरे को वो चाहिए, तो वो आता है आपका 2C3E50 से। ठीक है, ये आपको एक ब्लू टाइप के एक शेड दे देगा कुछ इस तरह, वेरी नाइस। इसका मेरे को फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम करना है, अभी फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट ये 400 होना चाहिए, तो सपोज मैं यहाँ पे 200 डाल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो बिल्कुल मस्त है। इसके बाद आपको यहाँ पे वापस आना है, तो अपना जो हेडर वाला पार्ट है, ये वाला जो अपना पार्ट है, इसका यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हेडर के अंदर हमें यहाँ पे कुछ ऐसा ही कुछ चाहिए था, तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को
जो नेक्स्ट काम करना है वो करना है मेरे को यहाँ पे, इसके नीचे मेरे को यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है, तो आपको यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो आपका यहाँ पे एक नया कंपोनेंट होगा, और जो नया कंपोनेंट होगा वो हम बना सकते हैं टू डू फॉर्म के नाम से, ठीक है, कि आप यहाँ पे जो यूजर इनपुट है आप यहाँ पे वो ले सकते हैं। तो सपोज टू डू इसके नाम से, सपोज मैंने यहाँ पे एक ये फाइल बनाई टू डू फॉर्म के नाम से, और सेम नेम से आपको यहाँ पे कॉम्पोनेंट बनाना है, सपोज टू डू फॉर्म इज इक्वल टू दिस 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 एंड दिस, और बिल्कुल ठीक है, रिटर्न किया मैंने यहाँ पे, और आपको यहाँ पे सीधा एक्सपोर्ट करना है इसको। तो ये मेरे यहाँ पे फंक्शनल कॉम्पोनेंट है, इसको मैंने यहाँ पे रिटर्न करके एक्सपोर्ट किया, ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक HTML का यहाँ पे मैं यूज करूँ, तो यहाँ पे मैं फॉर्म टैग जो होता है HTML का, यहाँ पे मैंने सपोज उसका यूज किया, और इसके नीचे यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक इनपुट फील्ड डाली, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, जो आपने एक टू डू फॉर्म बनाया इसको यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करना है, टू डू फॉर्म को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया, और हेडर के जस्ट नीचे में कोई वाला फॉर्म चाहिए, तो जो भी आपके वाला फॉर्म है टू डू फॉर्म, इसका आपने यहाँ पे हेडर के नीचे प्लेस कर दिया। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आई है, CSS मेरे को यहाँ पे हैंडल करनी पड़ेगी, बट जो इनपुट फील्ड है वो मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुकी है। तो सबसे पहले तो CSS ही हैंडल कर लेते हैं, तो यहाँ पे सपोज जो फॉर्म है आपका, इसके सपोज मैं यहाँ पे क्लास नेम डाल रहा हूँ आपका फॉर्म के नाम नाम से, ठीक है, फॉर्म के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे क्लास नेम डाला, और इनपुट फील्ड में मेरे को यहाँ पे प्लेस होल्डर डालना है और बाकी सब चीजें डालनी है। तो हमारे पास यहाँ पे प्लेस प्लेस होल्डर के नाम से एक प्रॉप होता है, जो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सपोज एंटर न्यू टू डू, ये मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर डाला, ठीक है। क्लास नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो, या तो आप यहाँ पे जो पेरेंट की सी पेरेंट का क्लास नेम है उससे आप यहाँ पे चाइल्ड की क्लास नेम को हैंडल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक नया क्लास नेम भी डाल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे जो CSS है उसको यहाँ पे हैंडल करना है, तो सबसे पहले तो जो आपकी इनपुट की CSS है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे इनपुट है उसकी CSS को मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आपका 20 pixels, तो ये आपका यहाँ पे बड़ा हो गया। कलर मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, कलर सेम रखें या डिफरेंट डालें, सेम ही रखते हैं। ऊपर हमने दिया हुआ है क्या दिया था 2C, हाँ ये वाला कलर ब्लू टाइप एक शेड है, ठीक है, मतलब कुछ करेक्ट है, तो जो भी आप यहाँ पे लिखोगे नाइस, ठीक है। तो इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, ये इसकी विथ मेरे को यहाँ पे चेंज करनी है, तो विथ यहाँ पे सपोज मैं डाल रहा हूँ ये 100%, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं लास्ट में सेमी कोलन, नाइस। तो आपका यहाँ पे क्योंकि जो मेरी पेरेंट की विथ है वो 50% है, तो जब मैंने 100% यहाँ पे विथ डाली तो 50% विथ मेरी पेरेंट की यहाँ पे खत्म होती है, तो इस वजह से ये आपका इनपुट बॉक्स यहाँ तक आया। बॉर्डर मेरे को नहीं चाहिए, तो बॉर्डर आप कर सकते हो इसकी नन, ठीक है, बॉर्डर नन करोगे तो यहाँ से बॉर्डर जानी चाहिए, बट आप बॉर्डर यहाँ से जाएगी नहीं, क्योंकि ये बॉर्डर नन होने के बाद ये आउटलाइन उठानी स्टार्ट कर देता है, तो आपको आउटलाइन को भी आपको यहाँ पे नन करना पड़ेगा। आउटलाइन मैंने जैसे ही नन नन करी, तो यहाँ से जो सारी बॉर्डर है वो यहाँ से जा चुकी है, बट मेरे को यहाँ पे बॉर्डर बॉटम चाहिए, तो वो मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा, वो मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, और सेम कलर के साथ 1px सॉलिड, और बिल्कुल सही है। तो बॉर्डर बॉटम मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग चाहिए होगी, तो पैडिंग ले लेते हैं यहाँ पे सपोज 5 pixels, ठीक है, 5 pixel मैंने यहाँ पे पैडिंग ली, और बिल्कुल सही है। तो आपका जो यहाँ पे टू डू वाला पार्ट है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे लिखोगे एंटर मारोगे और वो बिल्कुल आपका परफेक्ट चलेगा, ठीक है। एंटर मारते ही जैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे मैंने एंटर मारा मारा ना, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज हेलो लिख के एंटर मारा, तो ये आपका जो आपका पेज है वो यहाँ पे रिफ्रेश हुआ है, ठीक है। इसको आप हैंडल कर सकते हो ऑन सबमिट की हेल्प से, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म पे एक प्रॉप होता है जो कि होता है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट जैसे आपका फॉर्म सबमिट होता है वो उस केस में आप यहाँ पे इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका फॉर्म सबमिट होगा, मतलब जैसे आप एंटर बटन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप एक फंक्शन क्लिक कर सकते हो जो कि होता है आपका ऑन फॉर्म सबमिट के नाम से, ठीक है। और इसकी हेल्प से आप जो भी आपकी वैल्यू है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे अगर सपोज मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं कि इनपुट फील्ड में आप जो भी यहाँ पे फिल कर रहे हो, सपोज मैंने यहाँ पे हेलो लिखा इनपुट फील्ड में, तो जो भी आपने यहाँ पे फिल किया है इसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर, वो सपोज आपको वैल्यू निकालनी है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो ऑन चेंज की हेल्प से। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है ऑन चेंज, जो वो जैसे ही वैल्यू चेंज होगी वैसे ही ये कॉल हो जाएगा, मतलब जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते रहोगे वैसे ही ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल होता रहेगा। जैसे ही आपके इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज होगी वैसे ही यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा, जो कि होगा यहाँ पे ऑन फॉर्म ऑन चेंज। ऑन चेंज पे मैं यहाँ पे ऑन इनपुट चेंज को कॉल कर रहा हूँ, तो ये आपका यहाँ पे ऑन इनपुट चेंज को कॉल कर देगा। वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हो, वैल्यू हम निकाल सकते हैं इवेंट के अंदर से। जैसे आप यहाँ पे ऑन चेंज लिखते हो ना, ऑन चेंज पे एक इवेंट ट्रिगर होता है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा के दिखाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज एक को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ कि एक को प्रिंट करने पे यहाँ पे क्या होता है। मैंने सपोज यहाँ पे कंसोल खोला, कंसोल में सपोज मैंने यहाँ पे इन्फो खोला, तो सपोज मैंने यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आप देखो यहाँ पे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ ना, चेंज करते आपका जो इवेंट है कंसोल है वो बार बार यहाँ पे कॉल होता जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि
इसके अंदर आपके पास वैल्यू भी आती है, यहाँ पे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन के साथ वैल्यू भी आएगी टारगेट के अंदर। टारगेट के अंदर आपके पास यहाँ पे वैल्यू एक प्रॉप होता है और उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे पूरी वैल्यू आई है। ठीक है, तो इस तरह से ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पे, ई डॉट टारगेट डॉट ट्रू वैल्यू करके आप जो भी वैल्यू है आपकी आप यहाँ से वो निकाल सकते हो। सपोज मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, ठीक है, और जो मेरी वैल्यू है वो सपोज मैं यहाँ पे हेलो डाल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता जा रहा हूँ आपके कंसोल में वैल्यू प्रिंट होती जा रही है। तो बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो, बट मेरे को वैल्यू कंसोल पे प्रिंट नहीं करवाना, मेरे को वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो वैल्यू को आप स्टोर करवा सकते हो एक स्टेट के अंदर, आपको यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी। हम यहाँ पे रिएक्ट के अपने सबसे पहले हुक का यूज करने वाले हैं जो कि है यू स्टेट। यू स्टेट के अंदर आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप स्टोर करवा सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे यू स्टेट को इम्पोर्ट किया, कहाँ से आएगा आपका, ये रिएक्ट के अंदर से आएगा। तो आपको सपोज यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी, सपोज मैं यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट है उसको लेके मैं यहाँ पे एक स्टेट बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जो कि आपके यहाँ पे एक स्टेट है। अब स्टेट जो होती है वो एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल होता है, वो रीड ओनली होता है। अब कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स को आप डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे स्टेट का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज सेट टेक्स्ट, स्टेट का मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे जो स्टेट है उसको अपडेट कर पाओगे। और ये कहाँ से आएगा, ये आपका यू स्टेट से आएगा। और यहाँ पे आपको एक इनिशियल वैल्यू पास करनी होती है, जैसे अगर सपोज मैं नॉर्मली इसको बनाता तो नॉर्मली यहाँ पे ये होता कॉन्स्ट टेक्स्ट। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे इसके इक्वलेंट है कॉन्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट के। ठीक है, बट अगर आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट टेक्स्ट लिखा और फिर आप यहाँ पे सपोज टेक्स्ट में यहाँ पे आपने हेलो लिख के इसको इनिशियलाइज किया, और अब आप टेक्स्ट में यहाँ पे सपोज कुछ और लिख रहे हो, मैंने यहाँ पे सपोज कोड फॉर इंटरव्यू लिखा, तो ये आपको यहाँ पे एरर दे देगा। ये बोलेगा आपको कि यहाँ पे कॉन्स्ट जो है वो रीड ओनली है, मतलब आप अब वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, वैल्यू आप रीअसाइन नहीं कर सकते कॉन्स्टेंट वेरिएबल के अंदर। तो इस चीज को टैकल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन हमें मिलता है जो कि यहाँ पे सेट टेक्स्ट है। तो आप यहाँ पे इसमें वैल्यू डायरेक्ट ना पुश करके आप यहाँ पे सेट टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। सेट टेक्स्ट के अंदर आप यहाँ पे अगर हेलो लिखोगे तो जो ये हेलो है ये इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जाके स्टोर होगा, जो इस केस में यहाँ पे ये वाला स्टेट है। बट अगर सपोज यहाँ पे इनिशियल वैल्यू नहीं है कोई, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ सकते हो, उस केस में यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, बट अगर आपके पास सपोज कोई इनिशियल वैल्यू है, सपोज यहाँ पे हेलो है या एम्प्टी स्ट्रिंग है कुछ भी है, तो उस केस में आपको उसको यहाँ पे इसके अंदर पास करना होता है जो भी आपके यहाँ पे वैल्यू है। मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ रहा हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे कुछ कुछ भी डालता हूँ, मैं सपोज यहाँ पे हेलो डाला, तो जो इनिशियल वैल्यू होगी इस वाली स्टेट की वो यहाँ पे हेलो होगी। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा मेरे को। यहाँ पे जो आपकी स्टेट है, ठीक है, उसमें मेरे को यहाँ पे सेट टेक्स्ट करके, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे सेट टेक्स्ट करना पड़ेगा, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को मैंने यहाँ पे आपको इस वाली स्टेट में स्टोर करवा लिया। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कंसोल हटाते हैं, कंसोल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू को इसके अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेट है इसके अंदर हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया, बट मेरे को इसको स्टेट के अंदर स्टोर नहीं करवाना, क्योंकि स्टेट के अंदर यहाँ पे टेम्परेरली स्टोर हो होता है। स्टेट आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका एक वेरिएबल है, तो जब तक आपका ये कॉम्पोनेंट डॉम में है तब तक आपके पास वैल्यू है, लेकिन अगर आपका कॉम्पोनेंट डॉम से उड़ गया, सपोज आपने रिफ्रेश कर दिया, कुछ कर दिया, तो आपकी जो वैल्यू है वो लॉस्ट हो जाएगी, आपका जो भी आपके पास डेटा है वो सारा डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो इस केस में मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म के सबमिट होते ही जैसे मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करूंगा, आपका ऑन सबमिट कॉल होगा जो कॉल कॉल करेगा यहाँ पे आपके ऑन फॉर्म सबमिट को। तो जैसे आपके यहाँ पे ऑन फॉर्म सबमिट यहाँ पे कॉल होता है, वैसे ही मेरे को यहाँ पे जो आपका डेटा है उसको डेटाबेस में स्टोर करवाना है। सारे डेटा को मेरे को डेटाबेस में स्टोर करवाना है, और मेरे को यहाँ पे डेटक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। मेरे को यहाँ पे एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाना पड़ेगा, फ्रंट एंड में एक स्टोर बनाना पड़ेगा जहां पर मैं अपने सभी डेटा को स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें ये काम करना है, जहां पर हमें अपने टू डूज को डेटाबेस में सेव करवाना है, विडेक्स के थ्रू हम उसको डेटाबेस में सेव करवाएंगे, वो देख लेंगे कैसे होगा। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं। अब यहाँ पे डेटाबेस के लिए मेरे को यहाँ पे बैकएंड को सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट एंड से डेटा आपके बैकएंड के थ्रू डेटाबेस में जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लाइंट को क्लोज करना है, बाहर क्लिक करना है, फिर आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक फोल्डर बनाना है सर्वर के नाम से। सर्वर के नाम से मैंने सपोज यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, और यहाँ पे आपको सर्वर के ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक फाइल बनानी है जो कि होगी आपके यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सर्वर की मेन फाइल होगी जो कि यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस होगी। एक सेकंड, यहाँ पे सबको क्लोज कर देते हैं और फिर इंडेक्स डॉट जेएस खोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपना जो एक्सप्रेस का सर्वर है वो क्रिएट करना है। उसको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोलना पड़ेगा। अब एक्सप्रेस के सर्वर को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सप्रेस को इंस्टॉल कराना पड़ेगा। एक्सप्रेस को इंस्टॉल कराने के लिए मेरे को यहाँ पे पैकेट डॉट जेसन चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल कराना है उसके लिए आपको पैकेट और जेसन चाहिए होती है। तो आपको यहाँ पे एम टी पैकेट और जेसन को जनरेट करना पड़ेगा, वो आप कह सकते हो एनपीएम इनिट से।
npm init क्या करता है, ये आपके लिए एक empty packet और json को generate कर देता है सर, लेकिन उससे पहले ये कुछ information पूछता है, जैसे package name क्या है। package name यहाँ पे आपका month stack है, बट month stack नहीं होना चाहिए, package name आपका यहाँ पे server होना चाहिए। तो आप यहाँ पे server डाल सकते हो कि आपका packet और package name यहाँ पे server है। version ठीक है, description आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, entry point आपका index और js, entry point आपका main file होती है जहाँ से आपकी execution start होगी, तो वो मैंने डाली यहाँ पे इंडेक्स और जीएस। टेस्ट कमांड, अगर आपको यूनिट टेस्ट केसेस यहाँ पे लिख रहे हो उसकी कोई टेस्ट कमांड है तो आप वो डाल सकते हो, वरना एम्प्टी छोड़ सकते हो। गिट रेपोजिटरी आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर आपका आपने कोई गिट रेपोजिटरी बनाई हुई है जहां पर आप इस पूरे कोड को पुश करना चाहते हो, तो उस गिट रेपोजिटरी का यूआरएल आप यहाँ पे डाल सकते हो। कीवर्ड्स आप डाल सकते हो, ऑथर में आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो, लाइसेंस बाय डिफॉल्ट आईएससी होता है, कोई और आप यहाँ पे डालना चाहो वो डाल सकते हो, आईएससी भी ठीक है। उसके बाद ये आपके पास यहाँ पर एक बेसिक एक पैकेट और जेसन आएगी, ठीक है। ये यहाँ पे पूछ रहा है कि ये आपका पैकेट और जेसन का स्ट्रक्चर होगा, इज दिस ओके, मैंने बोला यस दिस इज ओके, एंड फिर इसने मेरे को यहाँ पे एक पैकेट और जेसन जनरेट करके दिए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये काम आपको करना था सर्वर के अंदर, सीडी सर्वर के अंदर आपको यहाँ पे ये काम करना था, ये कहिए मैं भूल गया करवाना, सीडी सर्वर के अंदर करना था। इस वजह से इसने क्या किया, यहाँ पे मंथ स्टैक के अंदर यहाँ पे बाहर इसने इसको जनरेट कर दिया। तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे आपको मूव करना पड़ेगा अपने सर्वर के अंदर, बिल्कुल ठीक है, सर्वर के अंदर यहाँ पर आ चुका है। तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है, मैंने यहाँ पे सपोज एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस लिखा, एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस लिखने से ये आपके एक्सप्रेस को, जो आपका एक्सप्रेस की पूरे मॉड्यूल है जो लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे आपके इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा। और आप यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेस एज अ मॉड्यूल आ चुका है, जो कि यहाँ पे 404.18.1। मेक श्योर आप ये सब काम करो सर्वर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडेक्स और जेएस के अंदर जाना है, आपको यहाँ पे सर्वर को आपको यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है। अब अभी आपने अगर इससे पहले शायद इसमें काम किया है नोड जेएस में, तो आपने इस तरह से आपने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया होगा, नोड को एक्सप्रेस को आपने इस तरह से इंपोर्ट किया होगा। बट अब हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट ES6 के कॉन्सेप्ट है, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे इम्पोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से जो आपका एक्सप्रेस है उसको आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, बट ये यहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट्स हैं, तो मॉड्यूल इंपोर्ट्स पैकेट और जेसन आपका नहीं नहीं समझता, आपको यहाँ पे इसको बताना पड़ता है कि ब्रो मैं यहाँ पे जो मॉड्यूल इंपोर्ट्स हैं उनका मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे टाइप मॉड्यूल डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक्सप्रेस को आपने इंपोर्ट कर लिया, अब एक्सप्रेस को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं हम ऐप की हेल्प से। मैंने यहाँ पे सपोज लिखा कॉन्स कैप इज इक्वल्स टू, और एक्सप्रेस को एज अ फंक्शन आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे एक फंक्शन आपको कॉल करना पड़ता है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक्सप्रेस का सर्वर बनाना है। लिसन फंक्शन की हेल्प से आप एक्सप्रेस का सर्वर बना सकते हो। ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला आर्ग्यूमेंट होता है आपका पोर्ट नंबर, कि आपका बैकएंड कौन से पोर्ट पे चल रहा है। मैं सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ पोर्ट के नाम से, और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 8000, कि मेरा जो बैकएंड है वो मेरा चल रहा है 8000 पे। तो जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है वो आपका वो होता है कॉल बैक फंक्शन। अगर आप कुछ भी चाहते हो कि अगर आप जैसे आपका सर्वर स्टार्ट हो वैसे आप अगर कुछ करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन के साथ, तो आप वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मेरे को ऐसा कुछ खास करना नहीं है, तो मैं यहाँ पे से कंसोल डॉट लॉग पे एक ये प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, कि योर सर्वर इज रनिंग और सक्सेसफुली ऑन पोर्ट। मेरे को बस पता लग जाए कि मेरा जो सर्वर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली चल चल चुका है, तो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करके यहाँ पे जो पोर्ट वेरिएबल है उसको यहाँ पे कनकैट किया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे पैकेट और जेसन के अंदर जाना है, और मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है टेस्ट के नाम से, इसकी मेरे को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना रहा हूँ स्टार्ट के नाम से, और मैं सपोज यहाँ पे लिखा नोड इंडेक्स और जेएस। नोड की हेल्प से हम यहाँ पे अपने सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको कौन सी फाइल को यहाँ पे रन करना है उसका आपको यहाँ पे नाम डालना होता है। तो स्टार्ट स्क्रिप्ट का मैंने यहाँ पे यूज किया है, अब आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो npm start। npm start क्या करेगा, ये चलाएगा आपके नोड इंडेक्स और जेएस को। आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे चलाया नोड इंडेक्स और जेएस को, जैसे आप यहाँ पे इंडेक्स और जेएस लिखा इंडेक्स और जेएस के अंदर जाएगा, और वहां से इसने इस वाली लाइन को प्रिंट कर दिया, योर सर्वर इज रनिंग सक्सेसफुली ऑन पोर्ट 8000। तो सर्वर हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली 8000 पे चल रहा है। बट अगर मैं सपोज यहाँ पे कुछ भी चेंज चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, तो ये चेंज आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसको रिफ्लेक्ट करवाने के लिए आपको सर्वर को यहाँ पे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाला चेंज आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है कि आपको मैनुअली सर्वर रीस्टार्ट ना करना पड़े, आप यहाँ पे नोड मोन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया मेरे यहाँ पे नोड मोन को, एंड ये आपके यहाँ पे पैकेट और जेसन के अंदर एक सेकंड डिपेंडेंसी की तरह यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा नोड मोन, बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पे नोड की जगह यहाँ पे आप लिख सकते हो नोड मोन, ठीक है, नोड इंडेक्स और जेएस की जगह नोड मोन इंडेक्स और जेएस। तो अब अगर आप यहाँ पे लिखते हो npm स्टार्ट, तो ये नोड इंडेक्स और जेएस को नहीं चलाएगा, ये चलाएगा आपके नोड मोन इंडेक्स और जेएस को, और ये आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चला है,
अब ये क्या करता है, ये आपके चेंजेस को लिसन करता है। जैसे आपसे सपोज यहाँ पे कुछ चेंज किया हो, जैसे आप इसको सेव करो कंट्रोल एस दबा के, आपके सर्वर को अपने आप रीस्टार्ट मार देगा और यहाँ पे आपको इसको मैन्युअली रीस्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो सर्वर अपना सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। आप यहाँ पे देखो, योर सर्वर इज रनिंग सक्सेसफुली ऑन पोर्ट 8000, जो ये वाली लाइन है ये हमारी यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट हुई है। अब इसके बाद मेरे को डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं मोंगोडीबी के साथ। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए आपको उसका कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है डेटाबेस के नाम से, और यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी है इस डेटाबेस फोल्डर के अंदर, जो कि होगी आपकी डीबी डॉट जेएस के नाम से। तो आपको यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल बनानी है वो डीबी डॉट जेएस। अब जो हमें कनेक्टिविटी यहाँ पे करनी है, मोंगोडीबी कनेक्टिविटी होगी, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे मोंगोडीबी को पहले सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप आप कर सकते हो, आपको यहाँ पे वापस जाना है और आपको खोलना है cloud.mongodb.com। ठीक है, ये वेबसाइट आपको खोलनी है cloud.mongodb.com। आप यहाँ पे मोंगोडीबी के जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ पे उनका भी यूज कर सकते हो। जैसे मोंगोडीबी कंपास है, आप यहाँ पे उसका यूज कर सकते हो, या फिर रोबो3टी है, उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे क्लाउड मोंगोडीबी का यूज कर रहा हूँ। यूज करना बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे क्लाउड मोंगोडीबी जो ये वेबसाइट है इसको आपको खोल लेना है cloudmongodb.com। इसके बाद ये आपसे लॉगिन पूछेगा, साइन अप पूछेगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आपको लॉगिन करना है, अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हो। ठीक है, साइन अप या लॉगिन आप जो भी करोगे फ्री है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये आपको यहाँ पर लेके आएगा। इसके बाद डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है बिल्ड अ डेटाबेस पर। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, दो ऑप्शन पेड है, एक ऑप्शन फ्री है। यहाँ पे शेयर वाला आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है क्रिएट पर, और ये यहाँ पे आपका एक शेयर्ड क्लस्टर बनाएगा। क्लस्टर यहाँ पे मोंगोडीबी अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो यहाँ पे जो डेटाबेस होता है उसको हम क्लस्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्लस्टर आपको कहाँ पे बनाना है, तीन ऑप्शन है, AWS है, और आपके पास यहाँ पे क्लाउड है, गूगल क्लाउड और एजोर है। आपके आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे AWS है। सर्वर कहाँ पे होना चाहिए, सर्वर आपका जो भी सबसे क्लोजेस्ट है, मेरा यहाँ पे जो सबसे क्लोजेस्ट है वो मुंबई है, मैंने यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट किया। ठीक है, क्लस्टर नेम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ऊपर तो आपको कुछ नहीं छेड़ना। क्लस्टर नेम आप यहाँ पे सपोज डाल सकते हो मन, और सपोज टू डू, मन टू डू में यहाँ पे क्लस्टर का नेम डाल रहा हूँ। मैंने सपोज यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक किया, और अभी आपका जो डेटाबेस है उसको क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक दो इन्फॉर्मेशन पूछेगा। हमें यहाँ पे यूजर को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे यूजर को क्रिएट करना पड़ेगा जो इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। तो एक यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे चाहिए। यूजर नेम सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यूजर, पासवर्ड में सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ कोड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, कोड फॉर इंटरव्यू मैंने डाला, इसकी आपको बाद में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मेक श्योर जो भी आप यहाँ पे डालो वो आप याद रखो, याद नहीं भी रखोगे तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप चीज को चेक कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपने डाला था, तो यहाँ पे ये यूजर हमने क्रिएट किया है। उसके बाद आपको इस वाले डेटाबेस को एक्सेस कहाँ से करना है, लोकल एनवायरमेंट से करना है, क्लाउड से करना है, लोकल से करना है। हमें लोकल से करना है तो आपको यहाँ पे अपना करंट आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है, आपको जो करंट आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिशिंग क्लोज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जाना है गो टू डेटाबेस पे। गो टू डेटाबेस पे जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो ये आपका जो डेटाबेस है उसको क्रिएट करना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको बनने में लगेंगे 3 से 4 मिनट। तो यहाँ पे वापस आते हैं, ये शायद बन भी गया, हाँ उसने बना भी दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक पैकेज चाहिए होता है। आप यहाँ पे एक्सप्रेस की हेल्प से डायरेक्टली मोंगोडीबी से कनेक्ट नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे एक्सटर्नल पैकेज चाहिए जो कि होता है मोंगूस। तो हम यहाँ पे मोंगूस की हेल्प से डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सीडी सर्वर में जाना है सबसे पहले तो, और आपको यहाँ पे पैकेज को इंस्टॉल कराना है जो कि है मोंगूस। तो हमने यहाँ पे लिखा है npm install and mongoose, ये पैकेज आपको यहाँ पे इंस्टॉल करा देना है। ये पैकेज आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका मोंगूस है उसको यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करना है। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा मोंगूस कहाँ से आएगा, और यहाँ पे ये आपका आएगा मोंगूस से, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि होगा आपका यहाँ पे सपोज कनेक्शन के नाम से। मेरे को इस फंक्शन को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैंने सपोज इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया, और मैंने यहाँ पे वाला फंक्शन बनाया कनेक्शन के नाम से, जो आपका कनेक्शन बनाएगा डेटाबेस के साथ। ठीक है, और बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे मंगूज की हेल्प से हमें यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना पड़ता है जो कि होता है कनेक्ट फंक्शन। कनेक्ट फंक्शन आपके दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है आपका मोंगोडीबी यूआरएल। ठीक है, जिस मोंगोडीबी से आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हो उस डेटाबेस की आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो उसकी हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सपोज मैंने यहाँ पे मोंगोडीबी यूआरएल लिया। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे एक लिंक आएगा, अभी तक मेरे पास यहाँ पे लिंक नहीं है, ये कहाँ से मिलेगा हमें वो दिखाऊंगा अभी मैं आपको। तो
तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आपको यहाँ पे MongoDB का URL पास करना होता है। सेकंड जो आर्ग्यूमेंट होता है इसका, वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ पे वैल्यू पास करनी होती है, जो कि होता है यूज न्यू URL पार्सर। आप यहाँ पे MongoDB को ये बोल रहे हो कि जो पुराने वाला आपका URL पार्सर है वो डेप्रिकेट हो चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली वो आने वाले वर्जन में रिमूव भी हो जाएगा। तो जो नया वाला URL पार्सर है आप उसका यूज करो। तो आपने यहाँ पे MongoDB को सिंपल यहाँ पे ये बोला है एक ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सिंपल जो mongoose.connect फंक्शन है आपने यहाँ पे उसका यूज किया, और यहाँ पे आपने MongoDB URI का यूज किया। ये MongoDB URI आपको कहाँ पे मिलेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं MongoDB URI के नाम से। इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू के लिए आपको वापस जाना है। जब आपका ये बन के बिल्कुल रेडी हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है कनेक्ट योर एप्लीकेशन पे। कनेक्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको जो नोड जेएस का वर्जन है इसको सिलेक्ट करना है 2.2.12 लेटर वाला, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। ये आपका यहाँ पे URL है, इसको ये कॉपी कर लेगा। ये आपका यहाँ पे URL है, इसको इसने यहाँ से कॉपी किया। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे वापस जाना है, और एक स्ट्रिंग के साथ आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है आपके पूरे URL को। तो ये आपका यहाँ पे पूरा URL आ चुका है। आप अगर यहाँ पे देखो तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो यूजर है, फिर एक यहाँ पे पासवर्ड है। यूजर जो है वो आपका यहाँ पे यूजर नेम है, तो इसने मेरे यहाँ पे पहले से ही जो यूजर नेम है वो डाल के फिल किया हुआ है। एंड पासवर्ड मैंने डाला था कोड फॉर इंटरव्यू। तो आपको यहाँ पे जो पासवर्ड है, जो भी आपने पासवर्ड लिखा होगा आपको यहाँ पे वो डालना है। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कोड फॉर इंटरव्यू, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे MongoDB URI आ जाएगा, और हम यहाँ पे इस वाले MongoDB के साथ कनेक्ट करने वाले हैं जो इस वाले URL पे चल रहा है। अब अगर कनेक्ट होता है, ठीक है, सक्सेसफुली अगर कनेक्ट होता है तो मेरे को पता चलना चाहिए कि हाँ सर सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन एक फंक्शन वर्क होता है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू होती है ऑन करके कि अगर आपका कनेक्शन यहाँ पे ऑन है, ठीक है, तो मतलब अगर वो कनेक्टेड है, MongoDB का कनेक्शन ऑन है एंड वो कनेक्टेड है आपका, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सर मेरे को यहाँ पे console.log पे मैं एक वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। सर मेरे को ये बता दे कि आपका जो डेटाबेस है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अगर सपोज ये आपका डिसकनेक्ट हो जाता है किसी कारणवश, सपोज ये आपका यहाँ पे डिसकनेक्ट हो गया, तो आप यहाँ पे डिसकनेक्ट डाल सकते हो। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा डिसकनेक्ट, ठीक है, और डिस्कनेक्ट यहाँ पे जो फील्ड्स हैं वो अपने आप में डिस्कनेक्टेड है यहाँ पे, सॉरी। तो जो डिस्कनेक्टेड है ये इंटरनल फील्ड्स हैं इसकी। आप यहाँ पे अगर कनेक्टेड डालोगे तो इसके कनेक्टेड जब आप यहाँ पे लिखते हो तो MongoDB के लिए इस कनेक्टेड का यहाँ पे कुछ मतलब है। आप यहाँ पे रैंडमली कुछ भी ऐसे पास नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड ऐसे ही पास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट होता है तो मेरे को पता लग जाए, कंसोल पे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ डेटाबेस एंड डिस्कनेक्टेड, ठीक है। अगर कोई एरर है, ठीक है, सपोज इस वाले URL में कोई एरर है, या फिर आपका आपने सपोज यूजर नेम पासवर्ड गलत डाल दिया, या सर्वर एरर है, कुछ भी हो सकते हैं, 70 एरर आते हैं। तो अगर कोई एरर आता है तो उस केस में भी मेरे को यहाँ पे पता लग जाए कि सर हाँ यहाँ पे कोई एरर है, तो उस केस में मेरे को जो आपका एरर है उसको भी प्रिंट करवाना है। ये जरूरी है एरर प्रिंट करवाना। तो सपोज मैंने यहाँ पे console.log लिखा, और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा एरर वाइल कनेक्टिंग विद द डेटाबेस, एरर वाइल कनेक्टिंग विद डेटाबेस, क्या एरर है, आप यहाँ पे उसको भी प्रिंट करवा सकते हो। वो आता है अपना एरर डॉट मैसेज के अंदर। एरर एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर एक मैसेज एक फील्ड होती है, उसके अंदर आपके पास पूरा मैसेज आ जाएगा कि क्यों एरर है। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफॉल्ट हम यहाँ पे इसको कौन से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से एक्सपोर्ट मैं इसको नहीं करना चाहता। मैं इसको यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करूंगा, तो मैंने सपोज वहाँ से ऊपर से एक्सपोर्ट हटाया, मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज किया एंड डिफॉल्ट कीवर्ड के साथ मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया, बिल्कुल सही है। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडेक्स और जेएस के अंदर आना है। इंडेक्स और जेएस के अंदर आपको यहाँ पे जो आप कनेक्शन आपका यहाँ पे फंक्शन था उसको आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। कहाँ से इम्पोर्ट करना है, डेटाबेस के अंदर से, डीबी के अंदर से। अब यहाँ पे एक चीज होती है कि यहाँ पे जेएस लिखना यहाँ पे कंपलसरी होता है। अगर मैं सपोज आपको यहाँ पे सेव करके दिखाऊँ तो ये एरर देगा इसने। आप देखो यहाँ पे इसने कोई एरर दिया है कि कैनॉट फाइंड मॉड्यूल डेटाबेस डीबी। डीबी क्या चीज है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन डालनी जरूरी होती है। तो आपको यहाँ पे db.js लिखना पड़ेगा, ठीक है, db.js मैंने यहाँ पे लिखा। अब कनेक्शन मेरे को यहाँ पे खोलना है, तो सपोज मैंने यहाँ पे कनेक्शन जो आपका फंक्शन है उसको यहाँ मैंने ऐसे यहाँ पे कॉल कर दिया एंड ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। अगर आपका डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है तो इस बार आपके पास यहाँ पे दो लॉग्स आएंगे। पहला लॉग होगा ये वाला जो यहाँ से आपका प्रिंट हो रहा है, ये आपका एक्सप्रेस का लॉग है कि आपका एक्सप्रेस का सर्वर यहाँ पे सक्सेसफुली चल रहा है। दूसरा ये वाला लॉग यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए जो कि है डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, जो आपको ये बताएगा कि आपका जो MongoDB का डेटाबेस है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर ये दोनों लॉग्स आए हैं तो मतलब आपका यहाँ पे जो
आपका जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुका है, अगर सपोज ये वाला लॉग आपका प्रिंट नहीं हुआ तो ये वाला लॉग प्रिंट होगा उस केस में, ठीक है, जिसमें आपके पास एक एरर प्रिंट होगा। आपको वो वाला एरर डिबग करना पड़ेगा कि एरर यहाँ पे क्यों आया, और आपको उसको रिजोल्व करना पड़ेगा अगर कोई एरर आता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ तो नहीं है लेकिन एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना जो यूजर नेम और पासवर्ड है उसको कोड में रिवील कर दिया। ऐसा हम कभी नहीं करते कि हम यहाँ पे कोड में कुछ चीजें रिवील कर दें। इसके लिए हमारे पास एक फाइल होती है जिसको हम बोलते हैं .env। आपको यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल कराना पड़ेगा जो कि होगा यहाँ पे .env। हम यहाँ पे एक env फाइल बनाते हैं, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो आपको यहाँ पे इस सर्वर पे आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है .env के नाम से, ठीक है। डॉट लिखना कंपलसरी है, फुल स्टॉप वाला डॉट, और आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में env लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है db underscore username इज इक्वल्स टू, क्या यूजर नेम है मेरा यहाँ पे, यूजर नेम जो है मेरा वो यूजर के नाम से है। आपको यहाँ पे कुछ भी स्पेस नहीं डालना, सेमी कॉलन नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बस db underscore यूजर नेम, और जो भी आपका यूजर नेम आपको यहाँ पे वो डालना है। उसके बाद सपोर्ट db underscore पासवर्ड, पासवर्ड मेरा यहाँ पे क्या था, पासवर्ड था मेरा यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो अपने यूजर नेम और पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पे डाले, वो मेरे को यहाँ पे डालने हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को .env में से ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे .env को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। .env को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया। .env को इम्पोर्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पे .env को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को यहाँ पे कॉन्फिग फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। कॉन्फिग फंक्शन की हेल्प से आप जो env है उसको यहाँ पे आप इनिशियलाइज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यूजर नेम है, यूजर नेम मेरा यहाँ पे env के अंदर से आएगा। तो env के अंदर से .env के अंदर से अगर .env फाइल के अंदर से अगर आपको कोई भी फील्ड निकालनी है अपनी, तो वो निकलती है प्रोसेस डॉट env की हेल्प से, प्रोसेस डॉट env डॉट db underscore username, जो भी आपने वहाँ पे नाम लिया। मैंने जो यहाँ पे नाम लिया हुआ वो db underscore username है। सेकंड जो है मेरा वो db underscore password है। तो आपको यहाँ पे लिखना है db underscore username, या आपका यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। फिर मैंने सपोज यहाँ पे पासवर्ड निकाला आपकी db underscore फाइल से, तो मैंने यहाँ पे लिखा db underscore password, बिल्कुल सही है। अब ये यहाँ पे आपके वो है क्या कहते हैं, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स को मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रिंग्स के लिए मैं यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग्स का यूज कर रहा हूँ, जो बैकटिक होते हैं, जो टैब के ऊपर वाला जो हमारा बटन होता है, जो वहां से आते हैं, ये वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इसका फायदा ये है कि आप यहाँ पे बहुत आसानी से आप यहाँ पे जो अपने वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ पे कनकैट करा सकते हो आप। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने यहाँ पे जो मेरे यूजर नेम और पासवर्ड है उनको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कोड में नहीं लिखा, उसको मैंने env फाइल में लिखा है। एंड env फाइल को हम कभी भी पुश नहीं करते, ठीक है। बिग बकेट पे, गिटहब पे, गिटलैब पे हम कभी भी env फाइल को पुश नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये फायदा होता है इससे। तो सर बिल्कुल ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप अगर यहाँ पे चला के देखोगे तो ये दोनों लॉग्स आपके यहाँ पे प्रिंट होने चाहिए। अगर आपका ये वाला लॉग भी यहाँ पे प्रिंट हुआ है डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, तो मतलब आपका जो env है वो यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली चला है। कोई एरर है, अगर कोई एरर आएगी इस केस में तो मेरे ख्याल से ऑथेंटिकेशन फेल्ड की एरर आनी चाहिए, वरना तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा अगर कोई एरर नहीं है। तो हमारा जो डेटाबेस है वो यहाँ पे सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुका है, बिल्कुल सही है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है, अब यहाँ पे सपोज इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वापस आ रहा हूँ अपने फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर कॉम्पोनेंट्स के अंदर हमने यहाँ पे दो कॉम्पोनेंट्स बनाए थे। एक तो था यहाँ पे हेडर के नाम से, जहाँ पे सिर्फ टू डू लिस्ट ले लिखा हुआ था। दूसरा था यहाँ पे मेरा टू डू फॉर्म के नाम नाम से, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे टू डू लिस्ट था, और दूसरा मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट फील्ड थी जो यहाँ पे मेरे टू डू फॉर्म था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज कुछ भी लिखता हूँ, मैं यहाँ पे सपोज हेलो ही लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे उस केस में मेरा यहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन कॉल होगा, जो है जो यहाँ पे इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा, और मैं यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे इस वाले स्टेट के अंदर यहाँ पे इसके अंदर सेट कर रहा हूँ। अब तक हमने यहाँ पे इतना कुछ किया था। अब मैं यहाँ पे रिडक्स का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे रिडक्स का यूज करूंगा। तो रिडक्स की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी एक्शंस को डिस्पैच करेंगे, ठीक है। जितनी भी हमारी एपीआई कॉल्स होंगी वो सब होंगी मेरी यहाँ पे रिडक्स की हेल्प से। रिडक्स की वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप अगर चाहो तो बिना रिडक्स के भी इस पूरे प्रोजेक्ट को बना सकते हो, लेकिन ठीक है, आप कुछ चीज करते हो एक सीखने के बाद पर्पज से, तो मैं यहाँ पे उस वजह से रिडक्स का यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, वरना इतनी छोटी एप्लीकेशन में रिडक्स का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो रिडक्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे रिडक्स सीखनी है, ठीक है। तो रिडक्स, अगर मैं आपको यहाँ पे एक लाइन में डेफिनेशन दूँ कि रिडक्स होता क्या है, रिडक्स आपके फ्रंट एंड का डेटाबेस है, ठीक है। आपने अगर देखो, अगर आपके पास यहाँ पे सपोज आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत छोटी है, आपके पास यहाँ पे सपोज 10-12 कॉम्पोनेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे हर एक कॉम्पोनेंट में अपनी जो स्टेट है वो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 10 कॉम्पोनेंट हैं, 10 के 10 कॉम्पोनेंट में कोई 2-3 स्टेट्स हैं, और आप उनको ट्रांसफर कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर सपोज कल को आपका प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है,
आपका प्रोजेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आपके पास सपोज 100+ कॉम्पोनेंट्स हैं अपने प्रोजेक्ट में, 100+ कॉम्पोनेंट्स हैं और आपका प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में क्या होता है, स्टेट को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्टेट जो होती है आपकी वो आपके कॉम्पोनेंट्स के अंदर होती है। ज्यादा से ज्यादा आप उसको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर रख लोगे, बट कॉन्टेक्स्ट भी आपका एक टाइम पे आगे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आपको एक ऐसी चीज चाहिए जहां पर आप अपनी सभी स्टेट्स को स्टोर करवा पाओ, और आप कोई भी अगर आपका डेटा आता है आप सीधा उसको वहीं पे ही पुश करो, कोई भी अगर आपके पास डेटा को आपको फेच करना है तो आप वहीं से उसको फेच कर लो। तो हमें यहाँ पर फ्रंट एंड में एक सेंट्रलाइज्ड एक चीज चाहिए चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ कि हम उसको अपनी जो स्टेट्स हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में हम स्टोर कराएं। क्यों ना ऐसा हो कि एक सेंट्रलाइज्ड एक हमारे पास एक स्टोर टाइप कुछ हो, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो जहां पर हम अपनी सभी स्टेट्स को स्टोर करवा सकें, और उस सेंट्रलाइज स्टोर का नाम यहाँ पे, उस सेंट्रलाइज डेटाबेस का नाम यहाँ पे रिडक्स है। ये रिडक्स की डेफिनेशन है कि एक्चुअल में रिडक्स आया क्यों था और रिडक्स करता क्या है। ठीक है, आप यहाँ पे रिडक्स की हेल्प से क्या करते हो, अगर मैं आपको यहाँ पे एक लाइन में इसकी डेफिनेशन दूँ रिडक्स की, तो एक लाइन में इसकी रिडक्स की आपकी डेफिनेशन बनती है कि रिडक्स आपका यहाँ पे फ्रंट एंड का डेटाबेस है। जैसे हमारे पास बैक एंड का डेटाबेस होता है कि आपको डेटा स्टोर करना है तो आप बैक एंड में डेटाबेस में करते हो, फ्रंट एंड में अगर आपको स्टेट को स्टोर करना है ना, तो इंस्टेड ऑफ कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में स्टेट को स्टोर करवाओ, आप उसको एक सेंट्रलाइज जगह पे स्टोर करवाओ जिसको आपने नाम दिया है यहाँ पे रिडक्स। तो हम यहाँ पे रिडक्स का यूज करने वाले पहले, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है रिडक्स का। रिडक्स का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर आपको एक फोल्डर बनाना है रिडक्स के नाम से। रिडक्स के नाम से आपको यहाँ पे फोल्डर बनाने के बाद आपको यहाँ पे रिडक्स के अंदर आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है सपोज एक्शंस के नाम से। ठीक है, इसमें हमारी सभी एपीआई कॉल्स होंगी। एक और यहाँ पे मेरा फोल्डर होगा रिड्यूसर्स के नाम 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 से। ठीक है, इन फोल्डर्स का क्या काम है वो हम अभी देखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे वापस आना है और आपको यहाँ पे एक्सटेंशन को स्टोर करवाना है जो कि है रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। ठीक है, गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है। अगर आप यहाँ पे ये लिखोगे रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन, तो जो पहले लिंक है आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो भी खुलेगा, आपके पास यहाँ पे एक बटन होगा एड टू क्रोम का, आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। एक बार ये ऐड हो जाए ना, उसके बाद आप अगर वापस आके देखोगे तो आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि रिडक्स आपका फ्रंट एंड का डेटाबेस है जहां पर आप अपनी सभी स्टेट्स को स्टोर करवाते हो। बट आप उसको देखोगे कैसे, वो जो आपका डेटाबेस है उसको देखोगे कैसे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये वाली एक्सटेंशन चाहिए। ठीक है, आपको अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे ले लेते हैं इसको, और आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही आप ये एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये वाली एक एक्सटेंशन आ जाएगी यहाँ पे रिडक्स के नाम नाम से। ये वाला यहाँ पे टैब आ जाएगा, एंड ये आपका यहाँ पे पूरा वो है, क्या कहते हैं, ये आपका यहाँ पे पूरा डेटाबेस है फ्रंट एंड का, जिसको आप बोलते हो रिडक्स का डेटाबेस। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स का यूज नहीं कर रहा, बट इस चीज को टेक्निकली स्टोर बोला जाता है, जो आप अभी यहाँ पे सामने देख रहे हो इस चीज को यहाँ पे स्टोर बोला जाता है, जहां पर आप अपनी सभी स्टेट्स को स्टोर कराते हो। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या 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 करना है, आपका जो ये फ्रंट एंड का डेटाबेस है इसको मेरे को कोड से कनेक्ट करना है, क्योंकि जो आप यहाँ पे सपोज मेरे पास यहाँ पे एक स्टेट है टेक्स्ट के नाम 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 से, और जो भी यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पड़ी है उसको मेरे को यहाँ पे शो करना है, तो उसके लिए ये चीज और जो मेरा कोड है वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं स्टोर डॉट जेएस। ठीक है, आपके स्टोर को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे रिडक्स के अंदर एक फाइल बनानी पड़ेगी जो होगी यहाँ पे आपकी स्टोर डॉट जेएस के नाम से। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को लोकल में एक स्टोर बनाना पड़ेगा, और फिर उस इस वाले स्टोर को, लोकल के स्टोर को मेरे को वहाँ पे इस वाले स्टोर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो लोकल में स्टोर बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल कराना पड़ेगा जो कि होता है आपका रेडक्स के नाम से। उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपने क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाना है, यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर गया और आपको यहाँ पे एक जो आपकी लाइब्रेरी है उसमें यहाँ पे इंस्टॉल कराना है जो कि है यहाँ पे आपका रेडक्स के नाम से। इसके अंदर एक फंक्शन होता है जो कि जिसको बोला जाता है क्रिएट स्टोर। तो क्रिएट स्टोर फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे अपना जो स्टोर है वो बना सकते हैं। तो रिडक्स आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, आपको फिर यहाँ पे एक फंक्शन का यहाँ पे इंपोर्ट करना है जो कि आपका यहाँ पे क्रिएट स्टोर के नाम से। ठीक है, क्रिएट स्टोर का मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, भाई लिखाने जा रहा बढ़िया, ये आएगा आपके यहाँ पे रिडक्स के अंदर से, जो पैकेज हमने यहाँ पे अभी अभी इंस्टॉल कराया है। बिल्कुल सही है, इसके ऊपर यहाँ पे एक लाइन आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला जो यहाँ पे पैकेज है, ये वाली जो यहाँ पे कॉम्पोनेंट है, जो लाइब्रेरी है, डेप्लीकेट हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस हमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिडक्स आप यहाँ पे रिडक्स टूल किट का भी यूज कर सकते हो, वो देखेंगे किसी और दूसरे प्रोजेक्ट में, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका स्टोर है उसको यहाँ पे आपको इनिशियलाइज कराना
पड़ेगा एज अ फंक्शन। तो यहाँ पे हम इसको एज अ फंक्शन यहाँ पे इनिशियलाइज कराते हैं, जो अपने आर्ग्यूमेंट में दो चीजें लेता है। पहला होता है रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या होता है? रिड्यूसर आप अभी के लिए ऐसे समझ सकते हो कि रिड्यूसर एक एक्शन आइटम है कि आपको क्या क्या करना है। जैसे मेरे को यहाँ पे टू डूज के साथ काम है, टू डू को मेरे को ऐड करना है, रिमूव करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो ये सब मेरे यहाँ पे एक्शन आइटम्स हैं। तो एक्शन आइटम्स आप अपने परफॉर्म कर सकते हो रिड्यूसर्स की हेल्प से। अब यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आपके पास एक सिंगल रिड्यूसर होता तो आप यहाँ पे सिंपल ऐसे पास कर सकते हो रिड्यूसर, ठीक है, जो भी आपका रिड्यूसर है, सपोज टू डू रिड्यूसर है। तो मैंने सपोज यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दिया, बट मेरे पास यहाँ पे एक सिंगल रिड्यूसर नहीं है, मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल रिड्यूसर्स होंगे। तो आप यहाँ पे मल्टीपल रिड्यूसर्स नहीं पास कर सकते, ठीक है, आपको यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो हाँ, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक और हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं कंबाइंड रिड्यूसर्स। इसकी हेल्प से आप यहाँ पे अपने जो रिड्यूसर्स हैं उनको आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो, और आप यहाँ पे उसको एक सिंगल रिड्यूसर बना सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कंबाइंड रिड्यूसर्स, और यहाँ पे ये एज अ फंक्शन अपने आर्ग्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट ले लेता है, और आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर के साथ जितने चाहे उतने रिड्यूसर्स आप यहाँ पे बना सकते हो। तो सबसे पहला जो मेरे को यहाँ पे रिड्यूसर चाहिए वो चाहिए यहाँ पे मेरे को टू डूज के नाम से। और यहाँ पे सपोज जो रिड्यूसर होगा मेरा वो होगा यहाँ पे टू डूज रिड्यूसर नाम से। ये वाला जो रिड्यूसर है ये मैंने अब तक बनाया नहीं है, इसको अभी मेरे को बनाना है। जब भी जैसे आप यहाँ पे इसको बना लोगे तो आपका जो ये सिंगल रिड्यूसर है तो आपको यहाँ पे इसको ये पास करना है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सेकेंड आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पे मिडिल वेयर पास कर सकते हो, बट मिडिल वेयर मेरे को यहाँ पे पास करना पड़ेगा अपने यहाँ पे जो आपके डेव टूल एक्सटेंशन है इसके साथ। तो आपको यहाँ पे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन का, तो आपको इसको अपने इससे सिंक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक और पैकेज को इंस्टॉल कराना कराना पड़ेगा, जो कि होता है आपका रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। तो आपने यहाँ पे लिखा रिडक्स हाइफन डेव टूल्स और हाइफन एक्सटेंशन, आपको यहाँ पे इस वाले पैकेज का यूज करना है। एंड इंस्टॉल कराने के बाद आपको यहाँ पे इसके अंदर से आपको यहाँ पे एक फंक्शन मिलता है, ठीक है, जो कि होता है आपका कॉम्पोजिट डेव टूल्स। कॉम्पोजिट नहीं होता कॉम्पोज होता है, कॉम्पोज एंड डेव टूल्स, ठीक है। कहाँ से आएगा? ये आएगा आपका यहाँ पे रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन से, जो पैकेज आपने अभी भी यहाँ पे इंस्टॉल कराया है। तो कॉम्पोज डेव टूल्स, कॉम्पोज विद डेव टूल्स, बिल्कुल सही है। एक सेकंड मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि मैं ठीक लिख रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो कॉम्पोज विद डेव टूल्स आपको यहाँ पे ये पास करना है, और आपको यहाँ पे इसको एज अ सेकंड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करना है। अब ये एज अ फंक्शन जहाँ जाता है, इसके आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पे मिडलवेयर पास कर सकते हैं। मिडलवेयर मेरे को यहाँ पे कौन सा यूज करना है? आप यहाँ पे कोई भी मिडलवेयर यहाँ पे यूज कर सकते हो। सबसे फेमस जो है वो थंक है, तो आप यहाँ पे थंक का यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, मतलब इंस्टॉल कराना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm install redux thunk। redux thunk को मैंने यहाँ पे सपोज इंस्टॉल कराया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज npm install redux thunk। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका थंक है उसको यहाँ पे इम्पोर्ट कराना है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट। और सपोज मैंने यहाँ पे लिखा थंक, कहाँ से आएगा? ये आएगा आपका यहाँ पे रिडक्स और थंक के अंदर से, बिल्कुल सही है। इस थंक को आपको यहाँ पे इनिशियलाइज भी कराना पड़ेगा। तो सपोज कॉन्स्ट मिडलवेयर ले लेते हैं, मिडलवेयर इज इक्वल्स टू, और आपको यहाँ पे इसको एक एरे के साथ यहाँ पे सपोज मैंने इसको ये करवाया, और अब आप यहाँ पे इसके कॉम्पोजिट डेव टूल्स के अंदर अब आपको यहाँ पे एक मिडलवेयर पास करना है। तो इसके लिए भी एक फंक्शन है आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, अप्लाई मिडलवेयर का। अप्लाई मिडलवेयर फंक्शन की हेल्प से आप यहाँ पे इसके अंदर एक यहाँ पे ये पास कर सकते हो। तो मैंने सपोज मैंने सपोज यहाँ पे ये डाला, और आप यहाँ पे इसको स्प्रेड करके, अरे ब्रो ये क्या कर रहा हूँ मैं तो आप यहाँ पे इसको स्प्रेड करके इसके अंदर आप यहाँ पे सीधा मिडलवेयर को पास कर सकते हो, एंड दैट्स इट। तो आपको बस यहाँ पे इतना सा कुछ लिखना है, एंड इतने से हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको स्टोर को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें यहाँ पे क्या काम करना है, अब यहाँ पे हमें अपनी एप्लीकेशन को पूरी को रैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, एरर्स देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई अब तक कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको यहाँ पे आना है app.js के अंदर, app.js या फिर index.js के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमारी पूरी एप्लीकेशन है, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन है, इसको मेरे को यहाँ पे रैप करना है। तो इसको रैप करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपका स्टोर है उसको यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या क्या करना होता है, जो आपका स्टोर होता है ना उससे आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन को रैप करना होता है। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक स्टोर है, और उससे आपको यहाँ पे अपनी पूरी एप्लीकेशन को रैप करना है। बट आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली रैप नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे एक चीज चाहिए होती है जो कि होता है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कहाँ से आता है? प्रोवाइडर आता है हमारा जो पैकेज आपने अभी भी यहाँ पे इंस्टॉल कराया था, जो कि था आपका यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स। ये पैकेज हमने इंस्टॉल नहीं कराया क्या? नहीं 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 कराया शायद, हाँ। तो आपको यहाँ पे एक और पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल कराना है, जो कि है आपका रिएक्ट रिडक्स के नाम से।
ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। रिएक्ट रिडक्स मैंने यहाँ पे सपोज इंस्टॉल किया, प्रोवाइडर हमारा यहाँ पर आ चुका है। आपको यहाँ पे ये जो प्रोवाइडर है आपका, इससे आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन को रैप करना है। ठीक है, तो यार आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे जो ये आपका रिएक्ट डॉट स्क्रिप्ट मोड है, इसको हटा के डायरेक्टली यहाँ पे आप प्रोवाइडर लिख सकते हो। ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, बट ठीक है, अगर आप उसको नहीं भी लिखोगे स्ट्रिक्ट मोड को तो चल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे स्टोर एक प्रॉप होता है, उसके अंदर आप यहाँ पे जो आपका स्टोर है उसको आप यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली पास कर सकते हो। एरर्स देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने देते हैं। कंपाइल यहाँ पे हो चुका है, एक एरर आई है जो कि है यहाँ पे टू डू रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो यहाँ पे रिड्यूसर है ये मैंने अब तक बनाया नहीं है। ठीक है, एक चीज और है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने यहाँ पे जो आपका रिएक्ट और स्ट्रिक्ट मोड है हटा दिया, तो आप यहाँ पे काम और भी कर सकते हो। आप यहाँ पे इसके बाहर इसको रैप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसको हटा के उसको रैप करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसके बाहर से भी इसको रैप कर सकते हो, मतलब आप रिएक्ट और स्ट्रिक्ट मोड को भी रैप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर ऐसे लिखोगे तो भी हो जाएगा। ये बोल रहा है टू डू रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड, तो सबसे पहले इसी को बना लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज एक यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ रिड्यूसर के अंदर, जो कि होगा यहाँ पे सपोज टू डूज एंड रिड्यूसर डॉट जे एस, बिल्कुल मस्त है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है सपोज टू डू रिड्यूसर के नाम से, एंड बिल्कुल दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया सिंपल बिल्कुल। ठीक है, ये मैं अभी के लिए ये मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं अभी वापस, आपको फिर यहाँ पे स्टोर में आना है, और स्टोर में आपको यहाँ पे जो आपका टू डू रिड्यूसर है इसको यहाँ पे आपको इम्पोर्ट कर लेना है, एंड दैट्स इट। आपका यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा, बट अभी अगर आप यूआई देखोगे तो यूआई इसने पूरा ब्रेक कर दिया। ठीक है, कंसोल पे अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक एरर भी आपको मिलेगी, जो कि होगी यहाँ पे द स्लाइस रिड्यूसर फॉर कीज टू डू रिटर्न अनडिफाइंड ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि जो आपका यहाँ पे आपने स्लाइस बनाया है, ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे स्टोर और जेएस के अंदर आपने जो यहाँ पे टू डूज के नाम से स्लाइस बनाया है, जो आपका यहाँ पे रिड्यूसर है, और इसकी जो वैल्यू है इसने यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न किया है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि यहाँ से इसको कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ से इसके अंदर हमारे पास एक यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट एक होती है, ठीक है, इसको इस पर अभी आएंगे हम। तो यहाँ पे डिफॉल्ट के साथ आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से कुछ ना कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे तो ये यहाँ पे एरर देगा। तो ये वही बोल रहा है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इस पर अभी आते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पे अपने एक्शंस पे काम करना है। मेरे को यहाँ पे एपीआई कॉल करनी है, तो एपीआई कॉल करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक्शंस के अंदर अपनी सारी एपीआई कॉल्स यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। तो आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, और आपको यहाँ पे सपोज एक फोल्डर नहीं बनाना, एक फाइल बनानी है इस एक्शंस के अंदर, जो कि हो गया आपके यहाँ पे इंडेक्स और जेएस के नाम से। अब इस इंडेक्स और जेएस के अंदर आपको यहाँ पे अपनी सभी एपीआई कॉल्स डालनी है। एपीआई कॉल आप कर सकते हो, हमारे पास यहाँ पे काफी सारे फंक्शन है जिनकी हेल्प से आप यहाँ पे एपीआई कॉल कर सकते हो। रिक्वेस्ट मेथड है जावास्क्रिप्ट का, आप उसकी हेल्प से कर सकते हो, बट वो मेथड यहाँ पे डेप्लीकेट हो चुका है। उसके बाद फेच फंक्शन की हेल्प से आप यहाँ पे एपीआई कॉल कर सकते हो, या फिर एक एक्सटर्नल पैकेज होता है अपने पास जो कि होता है एक्सियोस, आप यहाँ पे एक्सियोस की भी हेल्प ले सकते हो। उसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल कराना पड़ेगा, एनपीएम इंस्टॉल एक्सियोस लिख के, तो मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कराया। तो सर एक्सियोस यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो चुका है, इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो एक्सियोस है उसको आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सियोस, और कहाँ से आएगा, फ्रॉम एक्सियोस से आएगा, बिल्कुल ठीक है। और सबसे पहला जो हमें यहाँ पे अपनी एपीआई, जो सबसे पहली एपीआई हमें यहाँ पे कॉल करनी है, वो है यहाँ पे एड न्यू टू डू, कि आपको यहाँ पे अपना जो टू डू है, आपको यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे एक नया टू डू लिखोगे उसको आपको डेटाबेस में जाके ऐड करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एड न्यू टू डू, ठीक है, और दैट्स इट, और बिल्कुल सही है, बिल्कुल मस्त है। अब यहाँ पे मेरे को एक एपीआई को कॉल करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एक्सियोस का। एक्सियोस के साथ मेरे को यहाँ पे अपना टू डू भेजना है साथ में, तो ये पोस्ट एपीआई कॉल होगी। तो आपको यहाँ पे पोस्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। पोस्ट फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है, मिनिमम दो आर्ग्यूमेंट लेता है, मैक्सिमम तो ये तीन चार आर्ग्यूमेंट लेता है, जहां पर आप अपने जो हेडर्स हैं उनको भी पास करते हो। तो जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इसका, वो यहाँ पे आपका यूआरएल हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे बैकएंड का यूआरएल है। तो बैकएंड का यूआरएल सपोज मैं यहाँ पे एक अलग से मेंशन कर रहा हूँ, सपोज एपीआई अंडरस्कोर यूआरएल लिख के। बैकएंड जो चल रहा है आपका, वो चल रहा है आपका HTTP लोकल होस्ट, HTTP कॉलन डबल डबल स्लैश, और आपका ये चल रहा है आपका ब्रो लोकल होस्ट एंड कॉलन 8000, सॉरी 3000 पे आपका फ्रंट एंड है, और जो 8000 है वहां पर आपका बैकएंड है। तो इस पर आपका यहाँ पे ये चल रहा है, आप इसको यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो, योर सर्वर इज रनिंग सक्सेसफुली ऑन पोर्ट 8000। तो 8000 पे आपने यहाँ पे बैकएंड चल रहा है, तो आपने यहाँ पे जो आपका पहला जो आपका यहाँ पे ये है, आपका यहाँ पे एपीआई यूआरएल हो जाएगा। जो सेकंड है,
एपीआई यूआरएल के साथ आपको यहाँ पे एक एंड पॉइंट भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ फेसबुक का, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं सपोज यहाँ पे लिखा facebook.com, ठीक है, facebook.com ये इसका यहाँ पे मेन यूआरएल है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे मेन यूआरएल है। इसको आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो जो हमारे यहाँ पे लोकल होस्ट :8000 है। अब अगर आप यहाँ पे इसके बाद अगर सपोज आप यहाँ पे होम पे जाते हो, तो आप यहाँ का यहाँ पे होम एंड पॉइंट है। प्रोफाइल पे आप यहाँ पे जाते हो, प्रोफाइल एंड पॉइंट है। ग्रुप में आप यहाँ पे जाते हो, फिर कौन से ग्रुप पे आप यहाँ पे जा रहे हो, तो वो यहाँ पे आपका वो एक अलग एंड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये आपका यहाँ पे मेन एपीआई यूआरएल है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे एंड पॉइंट आएंगे, तो एंड पॉइंट भी आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो सपोज अभी के लिए मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ कि एंड पॉइंट जो आप डालते हो वो एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में डालते हो। तो सपोज इसको मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग से यहाँ पे रैप कर रहा हूँ, एक एंड पॉइंट में यहाँ पे डाल रहा हूँ टू डूज के नाम से। बिल्कुल सही है, टू डूज के नाम से आपने सपोज यहाँ पे एक एंड पॉइंट डाला। उसके बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे डेटा पास कर रहा हूँ। डेटा कहाँ से आएगा? डेटा आपका यहाँ पे पीछे से आएगा, यहाँ पे जो आपका ये फॉर्म है ना, इसके अंदर से आपका यहाँ पे डेटा आएगा। क्या कहते हैं, कहाँ गया वो, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स के अंदर आपका जो यहाँ पे टू डू फॉर्म है, इसके अंदर से आपके पास यहाँ पे डेटा आएगा, ठीक है। अब इसको मेरे को यहाँ पे कॉल करना है, जो आपका यहाँ पे टू डू रिड्यूसर है, इस टू डू रिड्यूसर नहीं, जो आपने यहाँ पे ये एक्शंस के अंदर आपने यहाँ पे एक एपीआई बनाई है, ये एड न्यू टू डू वाली, इसको मेरे को अब कॉल करना है। तो इसको आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, इसके अंदर से जो आपका यहाँ पे टू डू फॉर्म है, इसके अंदर से आप यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सपोज आप सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये एड न्यू टू डू है, इसको आपको यहाँ पे कॉल करना है, क्योंकि ये हमें यहाँ पे चाहिए होगा। दूसरी चीज, सपोज मैंने यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे एक फॉर्म को सबमिट करते हो ना, जब भी आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो, तो आपके पास यहाँ पे इवेंट का एक एक्सेस आता है, और आप यहाँ पे ब्राउजर के डिफॉल्ट फंक्शनलिटीज जो होती है उनको ब्लॉक कर सकते हो e.preventDefault लिख के। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा e.preventDefault, प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखने के बाद अब मेरे को यहाँ पे इसको कॉल करना है, आपकी एपीआई को मेरे को यहाँ पे कॉल करना है फॉर्म के सबमिट होने पे। तो आप यहाँ पे इस वाले फंक्शन को यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ रिडक्स का। रिडक्स में हम हमेशा क्या क्या करते हैं, रिडक्स में हम हमेशा अपने एक्शंस को डिस्पैच करते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज डिस्पैच को, डिस्पैच को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा? रिएक्ट रिडक्स के अंदर से आएगा, और आपको यहाँ पे जो आपका यूज डिस्पैच है, इसको आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे अपने एक्शंस को डिस्पैच करते हैं, हम यहाँ पे अपने फंक्शंस को डायरेक्टली कॉल नहीं करते। तो मेरे को यहाँ पे ये वाला जो मेरा पूरा फंक्शन है एड न्यू टू डू, इसको मेरे को यहाँ पे डिस्पैच करना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे इसको डिस्पैच करोगे फॉर्म के सबमिट पे, ये सीधा कॉल मार देगा इसको यहाँ पे, ये सीधा यहाँ पे एड न्यू टू डू को यहाँ पे सीधा कॉल मार देगा। इसके बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप यहाँ पे जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, सबसे पहले तो ये यहाँ पे असिंक्रोनस फंक्शन है, तो आपको यहाँ पे इसको रैप करना पड़ेगा सर ट्राई और कैच में, ठीक है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट, असिंक्रोनस रिक्वेस्ट जो होती है उनको आपको यहाँ पे, मतलब जितनी भी आपके यहाँ पे एपीआई कॉल्स होती है उनको आप एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप वहाँ पे एरर हैंडलिंग साथ साथ करते चलो। मैंने सपोज यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा, और कंसोल डॉट लॉग सपोज एरर वाइल कॉलिंग, और एड न्यू टू डू, एड न्यू टू डू एपीआई, बिल्कुल सही है। क्या एरर है आप यहाँ पे उसको भी प्रिंट करवा सकते हो, सपोज मैंने यहाँ पे उसको भी प्रिंट करवाया। इसके बाद अब यहाँ पे एक असिंक्रोनस कॉल है, ये यहाँ पे जो भी आपकी एपीआई कॉल्स होती हैं वो असिंक्रोनस कॉल होती हैं, तो आपको यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। अवेट चलता है आपके असिंक फंक्शंस के अंदर, ठीक है, जो भी आपका अवेट होता है वो आपके असिंक फंक्शंस के अंदर चलता है। अब यहाँ पे ये एक डिस्पैच एक्शन है, ठीक है, ये यहाँ पे एक रिड्यूसर है, एक डिस्पैच एक्शन है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक मिडल वेयर का यूज करना पड़ेगा। आप हमने एक मिडल वेयर वहां पे एक मिडल वेयर हमने वहां पे रैप किया था, जो कि था थंक के नाम से। तो थंक का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और क्योंकि आप यहाँ पे अपने एक्शन को डिस्पैच कर रहे हो, आप यहाँ पे इसको डिस्पैच कर रहे हो, तो इसके अंदर अब आपको यहाँ पे असिंक्रोनस तो आपने यहाँ पे लगा दिया, अब आपको यहाँ पे एक डिस्पैच का भी एक्सेस मिल जाता है, ठीक है, ये जो डिस्पैच है आपको यहाँ पे इसका भी एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे थंक का यूज किया है, ठीक है। थंक का यूज करते ही आप यहाँ पे एक मिडल वेयर का ये यूज कर रहे हो, तो मिडल वेयर जैसे आपके पास आ जाएगा, तो पीछे से आपके पास एक रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, उस रिस्पॉन्स को आप यहाँ पे ले सकते हो। सपोज आरईएस इसके अंदर रिस्पॉन्स मैंने सपोज यहाँ पे इसके अंदर लिया, और आप यहाँ पे एक्शन को डिस्पैच कर सकते हो। अब जो आप यहाँ पे एक्शन को डिस्पैच करोगे वो आपका जाएगा फिर रिड्यूसर के अंदर, दिखाता हूँ कैसे। मैंने यहाँ पे एक्शन को यहाँ पे डिस्पैच किया, जैसे आप यहाँ पे डिस्पैच करते हो अपने एक्शन को, तो दो चीजें जाती हैं, एक जाता है आपका टाइप, क्योंकि बहुत सारे एक्शंस होंगे, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एड का केस आपको दिखाया है,
तो ऐड के बाद रिमूव का केस आएगा, डिलीट आएगा, अपडेट आएगा, सैकड़ों चीजें हैं। तो आपको यहाँ पे टाइप चाहिए उन सबको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो मैंने सपोज यहाँ पे टाइप लिया, या आपको यहाँ पे इसमें पहले पहली चीज होती है, दूसरी चीज होती है आपका यहाँ पे पेलोड। पेलोड होता है आपका जो भी आपका डेटा होता है जिसको आपको रिडक्स में सेट करना है। अब जो मेरा यहाँ पे एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा उसको अगर मेरे को रिडक्स में सेट करना है तो उसको मैं यहाँ पे भेजूंगा पेलोड के अंदर। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आरईएस डॉट डेटा लिखा, और आरईएस यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका यहाँ पे इसके रिस्पॉन्स में आएगा। और इसके रिस्पॉन्स में जो ऑब्जेक्ट आता है वो एक पूरा एक ऑब्जेक्ट आता है पूरा, वो मैं दिखाऊंगा आपको क्या ऑब्जेक्ट आता है वो। और उसके अंदर जो आपका एक्चुअल डेटा होता है वो डेटा फील्ड के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल डेटा आएगा इस डेटा फील्ड के अंदर। अब यहाँ पे आपने टाइप लिखा है, टाइप में आप यहाँ पे या तो चीजों को हार्ड कोड कर सकते हो या फिर ये कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट में एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है उनको आप यहाँ पे एक अलग फाइल में कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करो। ठीक है, या तो आप यहाँ पे टाइप डॉट जेएस लिखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो यहाँ पे पास कर रहे हैं वो एक एक्चुअल में एक टाइप ही है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखो तो एक्शन के अंदर जो मैं यहाँ पे पास करूंगा वो यहाँ पे टाइप है, तो मैंने फाइल का नाम ही मैंने यहाँ पे टाइप डॉट जेएस लिखा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको एक कॉन्स्टेंट एक वेरिएबल बनाना है, सपोज एड न्यू टू डू के नाम से, ADD आएगा यहाँ पे, एड न्यू और सपोज अंडरस्कोर टू डू। देखो ठीक है, एड न्यू टू डू, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा एड न्यू अंडरस्कोर टू डू, और सर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है अपने यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे आपको इसको इम्पोर्ट कर लेना है, जो जो कि आपका है आएगा यहाँ पे एड न्यू टू डू। कहाँ से आएगा, टाइप के अंदर से आएगा, और यहाँ पे आपने लिखा एड न्यू टू डू। ठीक है, इसका फायदा मिलेगा, इसका फायदा कहाँ मिलेगा, इसका फायदा आपको मिलेगा यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर। अब सर यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर क्या बवाल मचेगा, यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर क्या सीन है कि आपको यहाँ पे अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको टू डूज आएंगे, जैसे एड न्यू टू डू है। तो एड न्यू टू डू के केस में आपको क्या करना है, फिर डिलीट के केस में क्या करना है, तो ये सब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा इस केस में। तो एड न्यू टू डू के केस में हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस जो अपना टू डू है उसको यहाँ पे ऐड करना है। पीछे से आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं। यहाँ पे ये डिस्पैच किया है मैंने, डिस्पैच करके मैंने यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट को सेंड किया है। तो यहाँ पे एक एक्शन होता है जो हम डिस्पैच करते हैं। सबसे टू डूज जो यहाँ पे ये आता है आपका रिड्यूसर के नाम से, इसमें आपको दो चीजें मिलती है, एक तो आपको मिलता है यहाँ पे स्टेट, दूसरा आपको मिलता है यहाँ पे एक्शन। स्टेट में आपकी प्रीवियस वैल्यू होती है जो अब तक अपडेट नहीं हुई, ठीक है, जो प्रीवियस वैल्यू है वो होगी यहाँ पे, और एक्शन में आपकी नई वैल्यू होगी जो यहाँ पे एक्शन में, ये जो पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है डिस्पैच के अंदर आप यहाँ पे जो कुछ भी भेजते हो वो आपका एक्शन के अंदर जाता है। तो दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे स्टेट है, दूसरा यहाँ पे आपके पास एक्शन है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे आपने स्विच तो लगाया हुआ है, स्विच मेरे को यहाँ पे इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे एड का केस है, कल को मेरे पास बहुत सारे केसेस आएंगे तो मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे इफ एल्स लगा सकते हो, वैसे इजी यहाँ पे जो सिंटेक्स पड़ेगा वो आपका यहाँ पे स्विच पड़ेगा, और आप रिड्यूसर के अंदर हमेशा स्विच देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है इस टाइप के बेसिस पे। ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये आपका यहाँ पे एक्शन के अंदर आएगा, और इसके अंदर एक फील्ड होगी यहाँ पे टाइप के अंदर, और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे एक्शन के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, एक्शन के अंदर आपके पास यहाँ पे एक फील्ड है जो कि है टाइप के नाम से। तो आप यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप करके जो अपना यहाँ पे केसेस हैं आप यहाँ पे वो डिफाइन कर सकते हो। जैसे जो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला केस होगा वो होगा अगर सपोज एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे सपोज ये जो मेरे यहाँ पे टाइप है, ठीक है, इसको यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहा हूँ मैं स्टार एज एक्शन टाइप्स, ठीक है, स्टार एज एक्शन टाइप्स। कहाँ से मेरे को एक फोल्डर बाहर जाना पड़ेगा, या सेम फोल्डर से हो जाएगा, नहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और यहाँ पे सपोज टाइप के अंदर से, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपको केस लेना पड़ेगा, केस होगा आपका यहाँ पे एक्शन एक्शन अरे क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्शन टाइप्स डॉट एड न्यू टू डू, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट केस होगा। अगर ये वाला केस आता है तो इस केस में आपको यहाँ पे रिटर्न करना है जो आपकी ये वाली स्टेट है, मतलब जो प्रीवियस वैल्यू है वो, और जो अपडेटेड आपका टू डू है वो, अपडेटेड टू डू की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी एक्शन डॉट पेलोड के अंदर। पेलोड क्या है आपका, पेलोड में आपका यहाँ पे वो चीज है जो आप यहाँ पे एपीआई के रिस्पॉन्स में आपको मिलेगा, ठीक है, और जो स्टेट है उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो स्टेट है उसको यहाँ पे आपको स्प्रेड कर देना है, क्योंकि जो स्टेट होगा वो हमारे यहाँ पे एरे होगा। तो एरे को मैंने यहाँ पे स्प्रेड किया, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसको लेके मैंने यहाँ पे फिर एक नया एरे बना दिया। लेकिन अगर अभी यहाँ पे स्टेट में इनिशियली कुछ भी नहीं होगा तो ये अनडिफाइंड होगी, तो मेरे को यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि
जो इनिशियल वैल्यू हो वो यहाँ पे एम्प्टी एरे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि आपको यहाँ पे डिफॉल्ट एक वैल्यू चाहिए, तो डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पे एम्प्टी एरे है और स्टेट में भी यहाँ पे एम्प्टी एरे पड़ा हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग एम्प्टी एरे आप यहाँ पे स्टेट को रिटर्न कर सकते हो, एंड दैट्स इट। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड चला के देख लेते हैं, आप यहाँ पे देखो वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आ चुकी हैं। नेटवर्क टैब खोल लेते हैं, और अगर आपको मैं यहाँ पे एक एपीआई सपोज ये कॉल करके दिखाऊं, तो एपीआई यहाँ पे कॉल होनी चाहिए। अभी यहाँ पे 404 आएगा क्योंकि बैकएंड की मैंने हैंडलिंग नहीं करी। आप यहाँ पे देखो हेलो मैंने यहाँ से भेजा, तो एपीआई कॉल मेरे पास यहाँ पे गई है। कोर्स का एरर है, इसको अभी देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो तो ये लोकल होस्ट 8000 और यहाँ पे टू डूज किया है बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे पेलोड में कुछ भी नहीं गया पेलोड में कुछ भी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ भेजा नहीं शायद। आप अगर यहाँ पे टू डू फॉर्म के अंदर जाओगे तो मैंने यहाँ से एड न्यू टू डू के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं भेजा, जबकि एक्शंस के अंदर एड टू डू के अंदर मैं यहाँ पे डेटा को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे जो आपकी ये स्टेट है टेक्स्ट के नाम से, क्योंकि आपका एटलास सारा डेटा जो है वो आप यहाँ से टेक्स्ट के अंदर सेव कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट को भेजना है, ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ फिर से एरर आएगा, कोर्स का इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यहाँ पे देखो इस केस में आपके पास यहाँ पे डेटा के अंदर आपके पास यहाँ पे हेलो गया है, ठीक है। हेलो आपका यहाँ जो यहाँ पे टू डू है वो यहाँ पे सक्सेसफुली गया है, या आपका यहाँ पे यूआरएल है। अब यहाँ पे मेरे पास जो एरर है वो कोर्स का एरर है। कोर्स जो होता है वो एक सिक्योरिटी फीचर है ब्राउजर का, ये वाला एरर जो है वो ब्राउजर फेंकता है। इसका मतलब है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। मतलब क्या है कि अगर आपका फ्रंट एंड किसी और पोर्ट पर है, बैक एंड आपका किसी और पोर्ट पर है, मतलब आपका आपका बैकएंड और सर्वर दो डिफरेंट सर्वर्स पर है, आपका बैकएंड और आपका फ्रंट एंड दो डिफरेंट सर्वर्स पर है, तो उस केस में आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते फ्रॉम बैकएंड टू फ्रंट एंड और वाइस वर्सा, तो उस केस में कोर्स का इशू आता है। तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, कोर्स को आपको यहाँ पे एनेबल करना पड़ेगा बैकएंड से, ठीक है। तो बैकएंड में आते हैं, यहाँ पे बैकएंड में काम है, तो आपको सबसे सबसे पहले तो यहाँ पे एक पैकेज आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे वापस जाना है और यहाँ पे सर्वर के अंदर जाके आपको यहाँ पे लिखना है npm install course, ठीक है। कोर्स को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और कोर्स को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है कोर्स को। मैंने यहाँ पे सपोज इम्पोर्ट किया, कोर्स को कहाँ से आएगा, जो पैकेज हमने अभी अभी इंस्टॉल किया है वहां से आएगा, कोर्स के अंदर से। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है app.use और आपको यहाँ पे कोर्स को ऐसे यूज कर लेना है, दैट्स इट। अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे इतने से हो जाएगा। चला के अगर अब मैं दिखाऊँ तो अब कोर्स का इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे सपोज मैंने हेलो लिखा, तो आप यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे कोर्स नहीं है, अब यहाँ पे आया 404। 404 स्टेटस कोड का यहाँ पे ये मतलब होता है, 404 का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये नॉट फाउंड, मतलब आप जो यहाँ पे एपीआई यूआरएल हिट करने की कोशिश कर रहे हो वो उसको मिला नहीं है। ऑब्वियसली वो मिलेगा भी नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे अब तक कोई राउटिंग नहीं की है। तो आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी राउट्स के नाम से, और सपोज इसके अंदर यहाँ पर आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा राउट्स के नाम से। फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे फाइल बनानी पड़ेगी राउट्स के नाम से, और आप यहाँ पे एक्सप्रेस की हेल्प से राउटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा, इम्पोर्ट कराया यहाँ पे एक्सप्रेस को, और आपको यहाँ पे सपोज राउट इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि होता है राउटर के नाम से, और आप यहाँ पे राउट डॉट। अब यहाँ से अगर आप देखो इसके अंदर चलते हैं एक्शंस के अंदर, एक्शंस को इधर ले आते हैं। एक्शंस के अंदर अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक पोस्ट एपीआई में यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा राउट डॉट पोस्ट क्योंकि वो एक पोस्ट एपीआई है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो तो जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पे टू डूज है, तो आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है टू डूज, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एंड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद इस एंड पॉइंट पे आपको क्या करना है, क्योंकि अब मेरे को ये भी तो बताना पड़ेगा कि अगर ये वाला एंड पॉइंट यहाँ पे हिट होता है तो इस एंड पॉइंट के हिट होने पे क्या करना है। जैसे जो एक्शन मेरे को परफॉर्म करना है वो मेरे को जो भी फ्रंट एंड से टू डू आएगा उसको मेरे को डेटाबेस में सेव करना है, तो वो इस वाले एंड पॉइंट के हिट होने पे होना चाहिए, तो मेरे को ये चीज बतानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट भी होता है जो एक कॉल बैक फंक्शन होता है, जो हमें ये बोलता है कि अगर आपके पास यहाँ पे ये वाला यूआरएल हिट होता है तो इसके हिट होने पे आपको यहाँ पे क्या करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। दो आर्ग्यूमेंट आते हैं हमारे पास यहाँ पे, एक तो आता है रिक्वेस्ट और दूसरा आता है रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट में हमारे पास वो चीजें होती हैं जो हमारे पास फ्रंट एंड से आती हैं। फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आती है वो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर होती है, जैसे जैसे कौन सा यूआरएल है, क्या हेडर है, पेलोड क्या है, और आपके पास यहाँ पे जो पोस्ट एपीआई है उसका जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है आपका पेलोड वो क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पोस्ट एपीआई की बॉडी होती है तो उसको आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी,
ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर आके बस यहाँ पे सीधा बॉडी आएगी, अगर वो एक पोस्ट सीपीआई है तो आप यहाँ पे सीधा उसकी बॉडी को भी उठा सकते हो। और यहाँ पे जैसे ही ये वाला एंड पॉइंट आपका यहाँ पे हिट होगा तो ये वाला कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा एंड ये वाला कंसोल आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो उसके लिए उससे पहले मेरे को यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जो आपका यहाँ पे राउट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सपोज इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउट, और आपको यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा इंडेक्स और जेएस के अंदर। तो यहाँ पे सपोज इसको इम्पोर्ट कर रहा हूँ मैं, सपोज यहाँ पे राउट्स के नाम नाम से कहाँ से आएगा, एक फोल्डर अंदर जाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे राउट्स के नाम से। तो यहाँ पे फाइल है राउट के नाम से और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज डॉट जेएस, ठीक है, और बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको यूज भी करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज ऐप डॉट यूज, और अगर आपका एंड पॉइंट एम्प्टी है तो उस केस में आपको यहाँ पे जो आपका राउट्स है उसको यहाँ पे आपको कॉल कर देना है इस केस में। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा, ठीक है। तो चला के देखते हैं, चलना चाहिए, एक सेकेंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, तो आप यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग है, इस बार मेरे पास 404 नहीं आया, रिक्वेस्ट पेंडिंग ही रहेगी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं फ्रंट एंड क्योंकि मैंने बैक एंड से कुछ भी रिटर्न नहीं कराया फ्रंट एंड पे, इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट में पेंडिंग है। बट अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे इसने मेरे को दिया है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड यहाँ पे इसने मेरे को इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर जो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ वो पोस्ट एपीआई की बॉडी है और पोस्ट एपीआई की बॉडी को इसको हैंडल करना आता ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इसने मेरे को अनडिफाइंड दिया। तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि ब्रो आपको जो पोस्ट एपीआई की बॉडी है जो आपके पास यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में आती है आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऐप डॉट यूज, आप सीधा यहाँ पे एक्सप्रेस की हेल्प से आप यहाँ पे जो जेसन फंक्शन है आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो कि ब्रो आपको यहाँ पे जेसन को यूज करना है। एक और चीज वो होती है आपको यहाँ पे यूआरएल को भी एनकोड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्सप्रेस की हेल्प से हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है यूआरएल एनकोडेड और आप यहाँ पे इसके अंदर पास कर सकते हो एक्सटेंडेड और ट्रू, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसके अंदर ये पास करोगे तो इससे हो जाएगा। तो एक सेकेंड चला के देख लेते हैं, सेव करते हैं। तो इसको मैंने सेव किया यहाँ पे और बिल्कुल सही है, और वापस आते हैं। तो अब ये चलना चाहिए, ठीक है। इसको सपोज मैंने यहाँ से इसको रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, तो जो हेलो है मेरा वो बैक एंड के कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, पेंडिंग रहेगा, बिल्कुल ठीक है, बट ये यहाँ पे अब भी अनडिफाइंड है, ठीक है। आई थिंक मेरे को यहाँ पे एक चीज यूज करनी पड़ेगी, मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बॉडी पार्सर का। मेरे को लग रहा था एक्सप्रेस से काम काम हो जाएगा बट नहीं, बॉडी पार्सर का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल कराना है जो कि है यहाँ पे बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर की है हेल्प से हम यहाँ पे जो आपका ये जो आपने यहाँ पे दो चीजें लिखी है ना, इन चीजों को आपको बॉडी पार्सर की हेल्प से करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये जो चीजें थी दोनों ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेस के अंदर थी, बट जो एक्सप्रेस के लेटेस्ट वर्जन है उसमें यहाँ पे इन्होंने इस चीज को बाहर निकाल दिया। तो आपको यहाँ पे बॉडी पार्सर की हेल्प से जो यहाँ पे आपका जेसन फॉर्मेट है बॉडी पार्सर डॉट जेसन, हाँ इसके अंदर है ये चीज, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक्सटेंडेड और ट्रू, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सप्रेस की जगह लिखना पड़ेगा बॉडी पार्सर, और इसके अंदर भी शायद ही सेम फंक्शन हमारे पास होता है जो कि होता है यूआरएल एनकोडेड, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे ये दोनों फंक्शंस यहाँ पे यूज करोगे तो इससे होना चाहिए। एक सेकंड सेव कर लेते हैं, हाँ रिस्टार्ट किया सर्वर, बिल्कुल ठीक है। तो अब प्रिंट होना चाहिए, देख लेते हैं। मैंने सपोज यहाँ पे हेलो लिखा और ये अनडिफाइंड है, ब्रो ये अब भी अनडिफाइंड है, क्या हुआ इसको, ब्रो ये अनडिफाइंड क्यों है, क्या हो गया इसको देखना पड़ेगा मेरे को। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे बॉडी आती है जो कि बिल्कुल ठीक है। यार बॉडी पार्सर के साथ तो चलना चाहिए था, वैसे तो एक्सप्रेस के साथ भी चल जाता है बट बॉडी पार्सर के साथ तो, ओ समझ गया। इस ये जो आपको यहाँ पे लाइन लिखनी है ये नीचे लिखनी है क्योंकि आपको पहले पार्स करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने जेसन पार्स नहीं किया और जेसन पार्स से पहले ही मैंने यहाँ पे राउट को कॉल कर दिया। ऐसा नहीं करना, पहले आपको यहाँ पे जेसन पार्स करना है, यूआरएल को आपके पार्स करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपके राउटिंग है उसको आपको यहाँ पे फिर कॉल कॉल करना है और बाकी सब आपको आपको यहाँ पे काम करना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको चला के दिखाऊँ तो आप यहाँ पे सही चलना चाहिए। मैंने यहाँ पे हेलो लिख के इसको कॉल किया तो आपको यहाँ पे बिल्कुल हेलो परफेक्टली दिखेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो सर बिल्कुल ठीक है, ये वैसे बॉडी पार्सर का मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये एक्सप्रेस की हेल्प से हो जाना चाहिए था। अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्रेस लिख के दिखाऊँ, मतलब बॉडी पार्सर की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉडी पार्सर एक्सप्रेस के अंदर भी शायद ये फंक्शनलिटी हमारे पास होती है, एक सेकेंड देख लेते हैं। तो सपोज इसको मैंने यहाँ पे तीन चार बार इसको मैंने यहाँ पे रिस्टार्ट किया, कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म हो जाते हैं कि एक्सप्रेस के अंदर अब भी है ये फंक्शनलिटी या नहीं है। मैंने यहाँ पे हेलो लिखा और मैंने यहाँ पे ये किया, हाँ है, करेक्ट है। तो आप यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे हेलो आया। तो आप या तो एक्सप्रेस की हेल्प से सीधा कर सकते हो या फिर एक हेल्पर पैकेज है एक्सप्रेस का जो कि यहाँ पे बॉडी पार्सर है, आप यहाँ पे जो बॉडी पार्सर है उसका भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो जो भी आपका मन है आप यहाँ पे वो कर सकते हो। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे जो अपना जो कंट्रोलर फंक्शन है, ये यहाँ पे कंट्रोलर फंक्शन है कि मेरे को करना क्या है,
तो ये भी मैंने इसी के अंदर डाला हुआ है, हम ऐसा कभी नहीं करते, ये चीज हम कभी नहीं करते। आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप यहाँ पे एक फंक्शन आ सकते हो जो कि होगा आपका यहाँ पे एड न्यू टू डू के नाम से, ठीक है, या फिर न्यू टू डू या एड टू डू के नाम से सपोज, ठीक है, कि आपको यहाँ पे टू डू को आपको यहाँ पे सेव करना है, और ये वाला फंक्शन आप बना सकते हो एज अ कंट्रोलर। तो यहाँ पे सपोज कंट्रोलर में यहाँ पे डाल रहा हूँ कंट्रोलर डॉट, कंट्रोलर के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और यहाँ पे सपोज मैं एक फाइल बना रहा हूँ जो कि होगी आपके यहाँ पे टू डू कंट्रोलर के नाम से, टू डू कंट्रोलर डॉट जे एस, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आपको ये वाला जो आपका फंक्शन है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और एड टू डू और इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे राउट के अंदर जाना है, और राउट में आपको यहाँ पे इसके ऊपर कर लेते हैं काम। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करना है जो भी आपका वहाँ पे एड टू डू है, ठीक है, डॉट जे एस लगाना लास्ट में कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पे डॉट जे एस लिखना पड़ेगा एंड सेट। तो आपने यहाँ पे क्या किया, जो आपका टू डू है क्योंकि ये आपका कंट्रोलर फंक्शन है, ये वाली जो मेरी फाइल है वो सिर्फ राउटिंग की फाइल है, ऐसा जैसा कि यहाँ पे नाम मेरे को बता भी रहा है। तो आपकी बिजनेस, तो आपका जो बिजनेस लॉजिक है वो यहाँ पे इस फाइल में नहीं होना चाहिए, तो वो मैं सारा मूव कर रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोलर फाइल के अंदर, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोलर फाइल के अंदर मूव किया। अब मेरे को यहाँ पे जो भी मेरे पास फ्रंट एंड से आ रहा है यहाँ पे बॉडी के अंदर, इसको मेरे को डेटाबेस में सेव करवाना है, बट उससे पहले मेरे को वैलिडेट भी तो करना पड़ेगा जो मेरे पास डेटाबेस में से, जो मेरे पास फ्रंट एंड से आ रहा है, क्या वो सभी फील्ड्स वैलिड हैं या नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे एक मॉडल बनाना पड़ेगा, और मॉडल के अंदर मेरे को यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी जो कि होगी यहाँ पे टू डू के नाम से, टू डू डॉट जेएस मैंने यहाँ पे बनाया, और मंगूस की हेल्प से आप यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हो मेरे पास जो फ्रंट एंड से ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसा नहीं करना आपको कि आप ब्लाइंडली जो भी फ्रंट एंड से आप उसको बिना वैलिडेट सीधा आप उसको डेटाबेस में डाल रहे हो, ऐसा कभी नहीं करते हम। हमेशा फ्रंट एंड से जो भी आता है उसको वैलिडेट करो, कोई चीज मिसिंग है तो फ्रंट एंड को एरर दो कि ब्रो आपने ये चीज नहीं भेजी है, ये चीज आप मेरे को आपने गलत गलत भेजिए। तो आपको यहाँ पे वैलिडेट करने के लिए एक स्कीमा बनाना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे एक टू डू स्कीमा के नाम से बोल, मैंने यहाँ पे स्कीमा बनाया है, मंगूस की हेल्प से आप यहाँ पे स्कीमा बना सकते हो। हमारे पास यहाँ पे स्कीमा के नाम से फंक्शन होता है जो अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट ले लेता है, एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक नेम आएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी तक मेरे पास वहाँ पे एक नेम आ रहा था, कहाँ गया, ये रहा डेटा आ रहा है, सॉरी नेम नहीं है यहाँ पे डेटा है। तो आप यहाँ पे डेटा डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेटा लिखा, और डेटा का जो टाइप है वो यहाँ पे आपका स्ट्रिंग है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो जो आपका यहाँ पे हेलो है वो आपका यहाँ पे स्ट्रिंग है, और ये चीज कंपलसरीली होनी चाहिए, मतलब ये चीज आपकी रिक्वायर्ड यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए, तो ठीक है, मतलब ये फील्ड आपके यहाँ पे होनी होनी चाहिए। कुछ चीजें आपकी ऑप्शनल हो सकती हैं, बट ये चीज आपकी यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू होनी चाहिए। क्या ये टू डू आपका डन हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इसका टाइप यहाँ पे आपका बुलियन होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स ये वैल्यू आएगी मेरे पास, ठीक है। और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो रख लेते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसकी फॉल्स, ये मैं यहाँ पे अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ डेटा आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड है। तो मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के साथ अपनी कुछ फील्ड ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इस डन को ऐड किया, तो डेटाबेस में यहाँ पे डन भी सेव होगा, और मेरे को यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प भी मेरे को यहाँ पे सेव करना है कि आपने यहाँ पे जो टू डू है इसको कब बनाया है। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है जो कि होता है क्रिएटेड एट, या तो आप क्रिएटेड एट या टाइम स्टैम्प कुछ भी यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो। क्रिएटेड एट सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जिसका टाइप यहाँ पे होगा डेट, और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पे डेट डॉट नाउ। डेट डॉट नाउ आपको यहाँ पे करंट डेट देता है, तो मैंने सपोज यहाँ पे डेट डॉट नाउ लिया। इसको लेके अब आपको आपको यहाँ पे एक मॉडल बनाना बनाना है, तो यहाँ पे टू डू इज इक्वल्स टू मंगूस की हेल्प से आप यहाँ पे एक मॉडल बना बना सकते हो। दो आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला आर्ग्यूमेंट होता है आपका कलेक्शन का नाम, अगर आप MySQL से फैमिलियर हो, आप MongoDB से फैमिलियर नहीं हो, तो कलेक्शन जो होता है वो आपका टेबल होता है। MySQL में जो टेबल होता है उसको MongoDB में कलेक्शन बोला जाता है, तो आपको यहाँ पे अपने कलेक्शन का नाम डालना है। कलेक्शन का नाम सपोज मैं यहाँ पे डालूँ टू डू के नाम नाम से, और इस कलेक्शन के ऊपर मेरे को वैलिडेशन डालनी है। वैलिडेशन आपके यहाँ पे क्या होगी, वैलिडेशन होगी मेरे यहाँ पे टू डू स्कीमा के नाम से, और यहाँ पे मैंने कॉन्स लिख के उसको यहाँ पे टू डू के अंदर स्टोर करवाया उसको, उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड टू, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे टू डू कंट्रोलर के अंदर जाना, और आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है अपने टू डू को, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका एक फोल्डर बाहर, और यहाँ पे मॉडल के अंदर टू डू डॉट जे एस, बिल्कुल सही है, इसके अंदर से आएगा ये। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको डेटाबेस में सेव करना है, लेकिन उससे पहले आपको अपने टू डू को वैलिडेट भी करना पड़ेगा। तो वैलिडेट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है टू डू डॉट क्रिएट, ठीक है, जो आपका टू डू है या आपका स्कीमा है यहाँ पे, इसकी हेल्प से आपने यहाँ पे क्रिएट फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे आप एक तो आपके पास यहाँ पे नेम है, नेम छोड़ो डेटा है, ठीक है, डेटा हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। डेटा सपोज मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ जो कि आपका रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और डॉट डेटा, ठीक है।
ये जो आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, उस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे एक फील्ड है, एक की है डेटा के नाम से, मैंने यहाँ पे सीधा मैंने यहाँ पे उसका यूज किया। एक और फील्ड हमने वहाँ पे ली हुई है जो कि है आपका क्रिएटेड एट, ठीक है। क्रिएटेड एट हमने यहाँ पे स्कीमा के अंदर लिया था जो कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डेट डॉट नाउ, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिया, मैंने यहाँ पे डेट डॉट नाउ एंड या, तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। ये एक असिंक्रोनस यहाँ पे रिक्वेस्ट होंगी, तो मैंने यहाँ पे सपोज असिंक लगाया और इसमें ले लेते हैं सपोज अवेट। अब इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे एक पूरा एक नया एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें आपके पास यहाँ पे सभी फील्ड्स होंगी। उस नए ऑब्जेक्ट को आपको डेटाबेस में सेव करवाना है, तो आपको यहाँ पे न्यू टू डू यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो आपका नया ऑब्जेक्ट है, और आपको यहाँ पे सीधा मोंगोडीबी का एक फंक्शन कॉल कॉल करना है जो कि यहाँ पे सेव फंक्शन, सेव फंक्शन आपका जो चीजें हैं वो डेटाबेस में आपके सेव कर देगा मोंगोडीबी में, ठीक है। मोंगोडीबी का फंक्शन है, बट मोंगोडीबी जो जब भी आप मोंगोडीबी पे कोई भी क्वेरी लिखते हो तो वो एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है। असिंक्रोनस रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि वो चीज आपकी क्लाउड पे चल रही है, ठीक है, तो वहां पे टाइम लगेगा, तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे फ्रंट एंड पे कोई रिस्पॉन्स भी भेजना है, क्योंकि जब आपके पास बैक एंड पे एक रिक्वेस्ट आती है तो आप फ्रंट एंड पे कोई रिस्पॉन्स भी भेजते हो। रिक्वेस्ट आपके पास आती है, रिक्वेस्ट के अंदर रिस्पॉन्स अगर आपको भेजना है तो आप इस रिस्पॉन्स की हेल्प से भेज सकते हो। तो सपोज यहाँ पे मैं लिखा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200.json, और यहाँ पे जो भी आपका अपडेटेड टू डू है आपको यहाँ पे वो भेज देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा, बट ये यहाँ पे आप एक मोंगोडीबी के साथ खेल रहे हो। मोंगोडीबी एक एक्सटर्नल एंटिटी है, ठीक है, मोंगोडीबी एक एक्सटर्नल एंटिटी है, एरर आने के चांसेस होते हैं, तो आपको यहाँ पे कैच लगा के जो अपनी ट्राई कैच लगा के एरर हैंडलिंग है वो करनी पड़ेगी, इन केस अगर कोई एरर आ जाता है आपको यहाँ पे इसको रिटर्न करना है, रिटर्न किया आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स को, इन केस अगर कोई एरर आ जाता है, ठीक है, सेव करते हुए सपोज सर्वर डाउन है या कुछ भी है, 70 चीजें हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे लिखना है डॉट जेसन और यहाँ पे आपको एरर डॉट मैसेज, जो भी मैसेज है उसको फ्रंट एंड पे फॉरवर्ड कर देना है, एंड दैट्स इट। अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा, सही चल रहा है, चला के देखते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया एंड दिस इज योर फर्स्ट टास्क, ठीक है, इसको सेव किया, ये इसने मेरे को यहाँ पे सीधा 500 दिया है। 500 टू डू वैलिडेशन फेल्ड, डेटा इज रिक्वायर्ड, आप यहाँ पे देखो डेटा इज रिक्वायर्ड ही बोल रहे हैं, तो बैकएंड में इशू है। बैकएंड में क्या इशू है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेटा तो मैं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको सेव करवा रहा हूँ डेट के अंदर, डेट नहीं आएगा डेटा आएगा सही है, चला के देखते हैं, इसको एक सेकेंड कॉपी कर लेते हैं, फिर मेरे को यहाँ पे रिफ्रेश करना है इसको। तो सर इसको रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे इसको पेस्ट किया और एंटर मारा, अब भी 500 है। टू डू इज नॉट डिफाइंड, टू डू इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे है टू डू, ओ यहाँ पे ये टू डू इज नॉट डिफाइंड, सॉरी माई बैड, यहाँ पर आपको लिखना है न्यू टू डू, ठीक है सही है, तो अब सही चलेगा, ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट चलेगा सर। इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, चलाया, तो आप यहाँ पे देखो स्टेटस आपका यहाँ पे 200 है, और जो आपका पूरा टू डू है वो आपके पास यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ से बिल्कुल ये डेटाबेस में सेव हो चुका है। आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो, आपको यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन खोलनी है, कलेक्शन खोल के आप जो यहाँ पे एक टू डू के नाम से कलेक्शन आपके पास बनी होगी उसके अंदर आप यहाँ पे जो आपका टू डू है उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे फ्रंट एंड से हिट मारी, ठीक है, आपके पास यहाँ पे इंडेक्स और जेएस ये सबसे आपकी मेन 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 फाइल है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आपने राउटिंग डाली हुई है तो वो सीधा राउटिंग में जाएगा, एंड राउटिंग में चेक करेगा आपके पास यहाँ पे मल्टीपल राउटिंग्स हो सकती हैं, अभी मेरे पास सिर्फ एक एपीआई है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही राउटिंग डाली है, बट यहाँ पे चेक करेगा आपके पास यहाँ पे मल्टीपल राउटिंग्स हो सकती हैं, तो मल्टीपल राउटिंग्स के हिसाब से फिर ये यहाँ पे चेक करेगा कि किससे मैच हो रहा है एंड पॉइंट, एंड पॉइंट इससे मैच हो रहा है तो यहाँ पे इसके अंदर जाएगा एक्ट टू डू के अंदर, और आप यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हो वो यहाँ पे ये वाला जो आपका ऑपरेशन है वो यहाँ पे इसको परफॉर्म कर देगा। कलेक्शन यहाँ पे खुल चुके हैं, आप यहाँ पे देखो टू डूज के नाम से जो कलेक्शन है वो यहाँ पे आ चुकी है, शायद मैंने 2 बार इसको यहाँ पे ये डाल दिया था, एक सेकेंड इसको डिलीट कर देते हैं, तो आपका जो टास्क है वो यहाँ पे परफेक्टली आ चुका है, ठीक है। फिर से अगर मैं आपको यहाँ पे इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, कलेक्शन मेरी यहाँ पे इस टाइम पे एम्प्टी हो जाएगी, आप यहाँ पे देखो क्वेरी रिजल्ट्स बिल्कुल 0 है। एक और यहाँ पे मैं सपोज हिट मारता हूँ, तो इसको सपोज यहाँ से करते हैं क्लियर, बिल्कुल सही है, दिस इज योर फर्स्ट टास्क, इसको मैंने यहाँ पे हिट मारी और ये यहाँ पे आपके पास सक्सेसफुली आई है, इसको आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हो, एक बार आना चाहिए, देख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे एक बार आया है, ठीक है, वो शायद पहले जो हिट थी वो 2 बार लग गई हो गई मुझसे, बट आप यहाँ पे देखो ये आपकी हिट यहाँ पर आ चुकी है। जैसे मैंने यहाँ पे हिट मारी तो
तो ये आपका टास्क जो है वो डेटाबेस में जाके सेव हो चुका है, तो उस केस में ये यहाँ पे इस केस में एम्प्टी होनी चाहिए, टेक्स्ट फील्ड आपके यहाँ पे इस केस में एम्प्टी होनी चाहिए। तो उस केस में आपको यहाँ पे जाना है जो आपके टू डू फॉर्म है, और आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे इसको डिस्पैच कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका सेट टेक्स्ट है उसको आपको यहाँ पे वापस एम्प्टी सेट कर देना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो दिस इज योर सेकेंड टास्क एंड एंटर मारा तो ब्रो क्या हुआ? ये हुआ क्यों नहीं एम्प्टी? ठीक है बेटे, एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये सेव हुआ है क्या? आके रिफ्रेश करते हैं, तो इसको सपोज मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, ओ समझ गया मैं क्यों नहीं एम्प्टी हुआ। वो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे को यहाँ पे वैल्यू फील्ड का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट रिएक्ट में, एक होता है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। कंट्रोल्ड कंपोनेंट वो होता है जिसकी वैल्यूज हम खुद से कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इसकी वैल्यू कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे वैल्यू प्रॉप का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और वैल्यू के अंदर आपको यहाँ पे टेक्स्ट को डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे टेक्स्ट को डालोगे तो इसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये अपने आप इसने क्लियर भी मार दिया, बट इसको अगर रिफ्रेश करके दिस इज योर थर्ड टू डू, तो अगर मैं आपको यहाँ पे एंटर मार के दिखाऊँ आपका ये यहाँ पे एम्प्टी हुआ है। और एम्प्टी होने के बाद अभी मेरे पास यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्स्ट टू डू सेकंड टू डू। अब यहाँ पे तीन डॉक्यूमेंट्स आएंगे थर्ड टू डू। अब यहाँ पे देखो तो तीन डॉक्यूमेंट्स हैं, दिस इज योर फर्स्ट टास्क, सेकेंड टास्क एंड दिस इज योर थर्ड टू डू। बिल्कुल मस्त है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। बाकी की चीजें देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है यार लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।